लिया। अरे इजी मिस्टर बॉम्बेस्टिक। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जैसे अजंता की मूरत कोई। क्या हो रहा है तेरे को? पता नहीं मिस मुझे क्या हो रहा है। ओए पी पीपू एक ट्रच तू गा आज तू बस का गा अलग वीजी में जाओ सुन गा 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 इसे सब नशे करते हैं भाई ये है ओ मैं लाइव है बाय द वे कौन मैं ओ पागल अगले क्या नमशे करता है क्या? मैं पागल हूँ मैं पागल हूँ मैं पागल हूँ मैं इतना ज्यादा गरम खाना बहुत दिनों बाद मिला रहेगा ना इतना गरम खाना बस नमक शमक डाल देते हैं भाई वो अंकल मस्त शेफ है भाई मस्त है भाई मैं तो निके कुकिंग ट्यूटोरियल देख के खाना बनाने सीखा भाई हां बिकॉज़ इट्स सो एंटरटेनिंग संजीव कपूर इज माय एवला प्लेयर इन टीम का और बताओ मैं स्पॉट चल रहा है लाइक छोले चावल दबारी हां पा दबारी पंजाबी छोले चावल मंगाया मैंने दबारी मतलब आरियो यस यस टेल दिस दिस स्पेसिफिकली ना लोग पता नहीं कागज सामने लेंगे नहीं उन पे बैठ गई हूं वो दब गए इसके हां बेचारे छोलों का छोली हो गया छोली के पीछे क्या है अरे ज्यादा क्यूरियस नहीं हो रहा तू हे शिफत प्लीज व्हाट्स अप वेलकम टू द स्ट्रीम हेलो शिफत प्लीज ग्लासेस लगा लूं प्लेन बी आई विल भूख लगा दी तो खाओ लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना जितनी तुम बनाते हो हाँ सही बात है टट्टी आई है तो कर लो भूख लग गई तो खा लो नींद आ रही तो सो जाओ नहीं हाँ सबसे बेस्ट क्या मालूम है दुखी हो मत हो दुखी नहीं दुखी है तो खुश हो जाओ क्यों हो दुखी क्यों हो नहीं हो पा रहे हो खुश तो मर जाओ इजी डोंट थिंक टू मच यप यार यार सुन यार सुन हेलो इट्स सो स्पाइसी गाइस मेरा स्पाइस टॉलरेंस बहुत गिर गया है स्पाइस टॉलरेंस गिर गया है गिर गया
यस ऊपर से वाह सैम सैम म्यूट होकर क्यों बैठा है आरपी में बोलो वैसे आरपी में कुछ कर तो नहीं रहा ओ भाई आरपी में तो पहुंच भी गया ओ भाई सैम आरपी सैम ये सैम सैम आरपी ओ माय देखा मैं कुछ भी किसी से भी करवा सकती हूं ओ माय गॉड इसकी गुंडास सैम भाई आरपी में भी जाता है भाई सैम ओ ना ब्लो भाई सैम ओहो ये इन्हें क्यों ऑर्गेज्म आ रहा है एक इसके पास कोई अच्छा वॉलपेपर है क्या सेंड करो काय मेरे मतलब क्या इलेक्ट्रो का वॉलपेपर लगा ना मैं दूंगा तुझे अच्छे से भाई यार इलेक्ट्रो फुल मोटा भाई जैसा दिखता है भाई मतलब मोटा भाई फुल इलेक्ट्रो जैसा दिखता है मालूम है हां ये हुई ना यार ये दिल जीत लिया अरे भाई ने बताओ भाई अरे अरे सैम इतना फोकस्ड क्यों है आरपी में कर रहा हूं कॉप आरपी कर रहा है वो भी It's officer Motu, put your hands in the air. Yeah. Aise bolega na Sam to? Aur aise when you say put your hands in the air aur fir wo log om shanti om karne lage to? Om shanti om. Om aur Shanti is a couple. Jise nahi pata. They get offended when we talk about them. No, they don't. They love you. They do. People get offended nowadays, you know, a lot. No, they don't. I said you once, I won't say it again. Ha 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 ha. If I say, you're a gandu, you're offended? Yes, bro. What happened? इसका पोल डालूंगा व्हाई इज दैट भाई इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिला ये नहीं मिल सकता भाई ओ माय गॉड सारे जो ने गर्ल्स और नहीं ये पति के क्वेश्चन पूछने के लिए भी दिमाग चाहिए हमें है नहीं पता है ओ माय गॉड यस व्हाट इज व्हाट यस फिर व्हाट इज व्हाट नहीं बेटा लाइक शब्दों का सिलेक्शन कर रहा है इस टाइम पे हां यस यस ओ यस 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 आई नो व्हाट यू मीन यस यस गाइस ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ह्यूमैनिटी के लिए बता दो व्हाट इज दैट He likes सारे curse words ass से क्यों चालू होता है? Because I love ass. Because it is ass it is. Oh. Award miss. Where is the granny award? वही नाटू नाटू का granny miss को दे दो. नाटू नाटू को क्या मिला था? Fuck. ऑस्कर मिला था मम्मी इसको दे दो जबरदस्ती ग्रामोफोन पकड़ा रहा है मेरे को मैं ग्रैनी फोन पकड़ा रहा हूं मिस ग्रैनी ग्रैनी का क्या पकड़ा रहा है ग्रैनी का फोन अच्छा ये ग्रैनी के फोन चुरा के भागता छीन के रोड पे ग्रैनी की फोन मतलब ग्रैनी की फोन चुराता होगा हे हे गाइस जिम के बाद कुछ खाने का मन क्यों नहीं करता मेरा तो तू पागल है जिम के बाद तो ज्यादा खाने का मन करता है नहीं मतलब भूख लगती है बट मैं खाती हूँ और थोड़े से में ही आई एम फुल तो अच्छा है ना रियली नीड्स व्हाट अच्छा तो है बट आई नीड टू रिकवर ना मैं ऑलरेडी बहुत कम खाती हूँ I didn't mean that. You stupid fuckers.
पांच अलग नशे में थोड़ा टट्टी सूंघ के आया है। एक टट्टी है, छोड़ो भाई। मैंने टेल मी नाउ नो मैं प्रॉक्सिमिटी इज हार्मफुल राइट नाउ लाइक इज डेंजरस राइट नाउ जो भी आपकी प्रॉक्सिटीज यस प्रॉक्सिटीज आप अपनी प्रॉक्सिटीज अपने पास रखें हम लोगों को आपकी प्रॉक्सिटीज में इंटरेस्ट तो है मगर हम स्ट्रीम पे निपटा सकते हैं यस यस तो मगर आई विल कांटेक्ट यू हम मस्ट बिकॉज आई वांट टू सी द कर्वेचर ऑफ द प्रॉक्सिटीज यस ऑफ द प्रॉक्सिटीज So, Maz, we will have a word about it, okay? In my office. अभी कुछ time बाद मेरी proxy TT circle से square बनने वाली है. Just wait and watch. हैं? पर square TTs किसको पसंद है? Minecraft के इसलिए ज़्यादा Minecraft खेलने में तेज़ ही होता है. Funny, oh my god. Funny. आशिया आईटी गाइस आई एम नॉट मुकेश इट्स जस्ट अ सिगरेट एंड इट कैनॉट बी दैट बैड सॉरी डोंट यू लव मी आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू दैट ये थोड़ा फक हो गया भाई कल पैकेट खत्म हो गया अरे 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 कितने वाला था 20 रुपए वाला बड़ी गोल्ड थी छोटी थी अरे ट्राई दिस मास अरे प्लैटिनम थी अरे मैं वो ढूंढ रहा था मेरे को नहीं मिला एवरी गाय एवर Honey, don't you love me and you know it makes me sad. भाई तुझे इताची के कहाँ पसंद है मुझे? मैंने कुछ तो मैसअप कर दिया ये गाने में देखिया मैं सांड देखिया बदल गया मेरा सब कुछ जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी सही है मतलब व्हाट डू यू मीन इज यू वांट मी टू डाई यस एवरीवन वांट यू वांट मी टू डाई माय हेयर सर यस यस पिंक आई से अच्छा डाई ओ वो वाला डाई ओ सॉरी व्हाट डू यू मीन मास व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी हां व्हाट इट इज व्हाट इज व्हाट डू यू डू डू दिस हां व्हाट इज योर व्हाट इज अरे यार डेड स्पॉन होंगी क्या मैं अब भैया क्या है मेज डैड बन गई मेज डैड बन गई मेज बधाई हो मेज शुक्रिया शुक्रिया बूंदी का लड्डू मेज मुझे कल बूंदी दे दे इसको अपनी बूंदी का लड्डू Electro? You got some boondi to offer? Yes. Ichetro. Are? Ananda suka. Esige. Baba ji ra kya? Gale mein. Are are koi baat nahi. Ilaaj karunga main. Doctor isliye bad raha hu aapko baba ji theek kar do. Google logist banega tu. क्या बनूंगा बवा बवारोलॉजिस्ट बुबुलॉजिस्ट क्या क्या मेरे को सुनाई नहीं दिया सही बुबुलॉजिस्ट अरे वो तो मैं हूँ यार वो तो मैं
ये तो मेरा जन्मसिद्ध का अधिकार है भाई। उसके पास दो बड़े बड़े इंटेंशन थे उसके लिए। खतरनाक आदमी हूँ मैं, बहुत खतरनाक। टीम डी आम्रपी टिटी ऑम्परेटी ऐसा देखा नहीं आदि को बजोरा देवाये वो कम कमो कमो कैन यू हियर मी या मेस से हेलो टू मेस मेस ट्रैम मतलब मोमो से हेलो टू मेस ट्रैम हेलो मेस ट्रैम मेस ट्रेमिंग ना मेस ट्रेमिंग या सैम भी आरपी में मैं भी हूँ ही ओके गाइस पीडी नाइस वन बाय द वे या या व्हाट या हाउ कैन यू से या 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 I was just gonna say, I was just gonna say, I love how I end my nights every night. इतनी deep बात थी ना ये ओए, इतनी deep throat बात। जे पास मेरे, जे साथ मेरे। I literally, Electro. आज मोमो। I literally every night. हेलो अरे थैंक्स अबे ये तो खराब है आई मतलब सच में भूख लग रही है मेरे को देखिए लेक रेस्टोरेंट खुला है अब मैं इसको क्या करूं मौज वो डिलीवर भी करते हैं राइट बस कोई होना चाहिए ना मतलब पूछ रहा हूँ Yeah, there's nobody there. Mechanics him. He Kevin sir, na hello. हाँ बोलो बोलो. कैसे हो? बढ़िया बढ़िया आप बताएं. जिंदा. बिल्कुल. कुछ नहीं वैसे मैं बस एक just एक departmental warning issue कर रहा था पूरे department को. है ना कैसे leechard किस्म के लोग हैं. हेलो हेलो हेलो. Not a way to talk, by the way. अरे मतलब ऐसे काम करने नहीं आते बताओ देश की वो शहर की सेवा करना मैं ऐसे कभी ना करूं वो एक्सेल यू 909 हाँ क्या बात है मेरे जस्ट नीचे मेरे जस्ट किसी डॉक्यूमेंट में 10 कोड्स नहीं है क्या मैं तब से ढूंढ रहा हूँ रोस्टर में देखो I'll give you रोस्टर में ओके वेयर अप I'll give you radio number sam ko send karna hai 911 I'll join it aisa dekha nahi yeah khoobsurat ka yeah excel you got it okay I was stuck. Yeah, और कोई नहीं है ना अभी हम चार एंड शेरशाह सर नीचे बैठे हैं वही मेरे लिए वही साइन है वो आई थिंक पता नहीं तेरे साथ केविन सर है मेरे साथ एक्चुअली तो वो है कौन जस्टिन ब्लेक
मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुंह से बस हवा छोड़ रही? नहीं सही आ रही। ओके तुम्हारे फ्री हो ना? मेरे जस्टिन ब्लेक एंड मेरे शेरशाह सर। और तुम्हारे क्या बोला तुमने? लेफ्ट वाले जस्टिन ब्लेक वो एफटी है? तुम्हारे एफटी पूछ रहा हूँ। एफटीए शेन कमिंग्स। शेन कमिंग तो एलओए पे है। तो अभी हमारे अलावा सिर्फ शेरशाह सर है तो उन्हीं के साथ हम लोग चले जाते हैं। तो हाँ कोई ना, वैसे तुम्हारे एफटी में ही हूँ। क्या हाल है कोल्ड सर? All good madam, all good. How are you? Alive. That's good. Better than to be dead. है ना? Indeed. Yes. कहीं तो हम winning. Good man. Good. मैडम जिस हिसाब से सीढ़ी के बगल में खड़ी है, अगर पैर फिसला तो पीछे नीचे गिर जाओगी। I like living on the edge. जी सर, almost तो दिल्ली आता हूँ, कभी-कभी skip हो जाता है। I want the names of each and every cadet who is not coming on duty, same for officers and solo cadet. सर वैसे तो ये टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है सर, क्योंकि मेरा टाइमिंग फिक्स नहीं रहता, बट ठीक है मेरे को जो दिखेगा उसको बता दूंगा। बाकी आप देखो जो दिखता है मेरे को पूछ रहा है, बाकी तो मैं वो अभी वार्निंग देने जा रहा है। ऐसा कह रहा है वार्निंग ही फायर मारूंगा सबको। सर मैं रोस्टर ठीक हो गया क्या? बेटर बी टेकिंग न्यू कैडेट्स विद इंटरेस्ट रादर देन टेकिंग द नॉकआउट्स। रोस्टर ठीक नहीं है, रुक जाओ, मेरे को वैसे नाम उधर से पढ़ के बताने पड़ेंगे। रुक जाओ, इस दिन में नहीं आ सकता तो कोई आएगा ही नहीं। आपकी वाइफ है क्या? ठीक है सर, ऊपर से शुरू करते हैं। ठीक है, मैं 10 बजे के बाद नहीं आ सकता, थोड़े दिन तक। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। ओए एक सेकंड, सर संदीप सर मेरे को 100 में से 10% कुछ दिखते हैं। ठीक है, अब शायद हाँ वो ठीक है। तो फिर अभी फिर अपने डैनियल सर आते हैं सर। ठीक है, जो जेक लॉगन सर है वो मेरे को कम दिखते हैं सर। केन विलियम सर तो कुछ दिन से बता भाई, आप सबको मुझे पता है हालात। ठीक है सर, ऑफिस से बताता हूँ। वैसे सोलो कैडेट परसों मेरे को 2 दिखे थे, एक रुद्र शिकावत और एक थियो। जो शेन कमिंग सर मेरे को थोड़ा कम दिखते हैं, मॉरिस सर आते रहते हैं। ठीक है, या फिर क्या मतलब 50-50 दिखते हैं शेन सर, तो उनका मैं कंफर्म नहीं आते नहीं, क्योंकि शायद वो मॉरिस सर के साथ रहते हैं। फिर शेषा सर आते हैं, एमिली रोज को मैंने शायद स्टार्टिंग में शेन की बात है। हां शेन, शेन तो येलो पे है। आप दोनों नीचे वेट करे, आएगी एक ऑफिसर। नहीं थॉमस शेल्बी को मैंने 40%। हां जी, बात बात पे गरम हो जाते हैं। ठीक, गरम होने की बात नहीं है, तुम लोग थोड़ा सा थम जाओ ना। या बट यू, देयर इज अ वे ऑफ टॉकिंग टू सिविलियंस, यू नो वी पे योर योर सैलरीज, राइट? सैलरीज, यस, वी पे योर सैलरीज। टॉकिंग अबाउट व्हाट्स योर जॉब? दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। एंड हाउ मच इनकम टैक्स डू यू पे? आई पे इनफ सो दैट दे कैन गिव यू दैट प्रीटी बूट्स
that taser on your hip, you know what I'm saying? Don't forget about the top. Listen, lady girls, what's going on? What are you doing here? Nothing. They are a little stressed out because the officers and everyone is not showing up to the duty. So yeah, it's a heated up situation over there. I wouldn't want to work here either. Like, we are dying to hire you. Just saying, you know what I mean? You guys can't handle a dashing guy like me working for the PDs. We don't need dashing guys. We need intelligent, don't you educated have any guys. Investigation to do? Why are you wasting our time? Are right you now? Are you sure you have intelligent guys over there? अपना तो पता है मुझे. You got something to eat, lady? Yeah, all of them are intelligent. You got something to eat? Nah. Good evening, sir. Good evening. No. You good? Hello, Shersha, sir. Yeah. This lady, no. She needs to be trained ASAP, Rocky. The way she's talking to us, this is unacceptable blue. Yeah. Unacceptable blue blue. Yeah, exactly. Unacceptable. Unacceptable. Nice tattoos, dude. Holy. Swami, check that arm out. He's got a lion. Mujhe bhi banwana. Hey, damn. It is lion or it's bull? It's nice to see we got professionals like you working here, sir. This lady, I don't know about her. And that guy over there, his hair is all, you know what I'm saying? I don't even know about that dude. This, Axel, this dude is, you know. Excuse me? Yeah, talking shit, sir, about your sir, hair. Sir, do you remember me? Sir. Yes, sir. Sir with the brown hair, what's going on? What's popping? Okay, like that left turn we made on you the other day? Signal pe roke peeting. You know, that's a crime. This is a great time then to leave. This hello, cold sir. कान में बात कर रही है उधर आप आपके बड़े कान खुल रहे हैं. क्या? क्या? कान खुल रहे? हाँ. तुम्हारी बात पे थोड़ा रिएक्ट करा मैंने. अच्छा इन्होंने क्या बोला फिर इसने क्या बोला ये तो ये इंसान लगी बदतमीज रहा है मुझे. This city is not safe. I don't know, like. This city is not safe. Yeah, like I think the day before yesterday he just recklessly evaded. Yeah, yeah, again. What'd you do? What's your name, dude? In jail, but what's I your name? Just my name. My name it, is. Huh? My name is. Michael Jackson. Michael Jackson. Yeah. Are you sure about that? Your name is Justin. But listen, Case. He's Justin Case. That's, oh, okay. So, day before that's yesterday, that's not a solo cadet yeah told me he kidnapped an officer. Look out for yeah, this guy. That's what, yeah, pukad, that's pukad, what. Yeah, that's what. Yeah, that's what. Let's go. जाओगे चलो अरे हम दो ही हैं सर तो फिर ये दूसरे क्रेडिट को भी ले चलो कॉल हिम कॉल हिम हां चलो एक्सेल तू भी चल काफी बारिश हुई है तो इसको फिर कोई मतलब सजा वजा मिली थी कुछ हुआ था एक्शन लिया गया था किसको यही देख सकते हैं आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ इसने एक पुलिस ऑफिसर नहीं शायद क्रेडिट था जिसको किडनैप करा था मेरे को तो पता भी नहीं मेरे को एक सोलो क्रेडिट थे उनके साथ में घूमती थी लास्ट टाइम उन्होंने बताया लुक आउट फॉर दिस गाय ही किडनैप्ड अ क्रेडिट ओ भाई क्या हो रहा है अब एलेक्स तुम्हारा हैप्पी है कौन है Shane Williams. Shane Cummings. Yes, yes. Shane Cummings, yes. Okay. अब बोल क्या कह रहा था? कुछ नहीं क्या कर. अरे तू डेली आता है ना? तू डेली आता है? फकिंग देख लो, डेली आता हूँ. सुना, क्या बोल रहा है? डेली आता हूँ यार. हाँ तो मेरे को एक्टिव ऑफिसर्स के लिए भेजिए और इनएक्टिव्स के लिए स्पेस ठीक है कैडेट्स एंड सोलो कैडेट्स ओनली ऑफिसर्स नहीं डन मेरे ही नहीं ये मेरी गाड़ी कहाँ है जो फंस नहीं हुई
एक मिनट रुकना है। खाना लेने चलेंगे सबसे पहले। क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया यार, मेरे को भी ऐसी बाइक चाहिए है। पूरी बच गई। ये गाड़ी का जो हमारे नंबर है इसका भी कुछ होता है काम? कौन से नंबर है? 76 लिखा ना ऊपर। हाँ उड़ते हुए हम लोग जा रहे हैं, काम वाम नहीं है। हाँ ओके, नहीं है। बट 702 तो आपका होगा ना वो? हाँ पीछे वाला है ना। ओके, ओह वो कॉल साइन है। Yep. Nice. एक मिनट रुकता हूँ। वैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछें। FTA और FTO में क्या डिफरेंस है? FTA असिस्टेंट होता है, FTO ऑफिसर होता है। तो हमें यूजुअली किसके साथ निकलना है? FTAs के साथ, और किसी को भी टैग करना है तो FTA को टैग करो, FTOs को नहीं। ओके, तो असिस्ट करो उनको, ऑब्जर्वर को कुछ नहीं करना। ऑब्जर्वर को कुछ नहीं बोलना है, उसका काम है टिक लगाना, FTA उसको बता देगा। अच्छा, वो मतलब ऐसे अटेंडेंस लगाते हैं जैसे? हाँ वैसा बराबर। तो तुम लोग की कौन सी ट्रेनिंग हो गई? कुछ भी नहीं, यह शुरुआत भी नहीं हुई। बोल दे तुम्हें। हाँ एक मिनट रुको, कौन कौन है? 702+2 स्विचिंग बैक, स्विचिंग टू रेडियो 1.5 फॉर ट्रेनिंग पर्पस। मैंने वन पी ले लें, वैसे पर्टिकुलरली वैसे ट्रेनिंग दे रहा था सबको ही ले लेना, ज़्यादा कोई है। 10-4 बस। शेरशाह सर मैं एक चीज बोल रहा था कि मतलब खाना कहीं मिल जाता पहले तो फिर इधर। हां 109 द लास्ट कॉल प्लीज। आई एम गोइंग टू सैंडी एरिया। सैंडी क्यों जा रहे हो? वापस आ रहे हैं। अरे इनको कुछ खाने पीने का चाहिए था, मेरे से ले लो। चलो वापस चल। एक्सेल एकदम ऐसे मौत दिखाई दे रही है क्या? नहीं नहीं फिटेगा, मतलब पता नहीं। आई ट्रस्ट माय ऑफिसर्स। अच्छा नहीं मतलब एकदम ऐसे मौत दिखाई दे रही है तो फिर कुछ जल्दी करते हैं। अच्छा वो खाने वाला? हाँ। मतलब भूख बहुत जोर की लग रही है मुझे, पहले बोल मतलब उतनी ना। भी नहीं इतना है जाएगा। ठीक है ड्रॉप ड्रॉप भाई भाई, क्या पानी टपका रहे हो? मेरे फोन की रिंगटोन है यार, रुको ये साइलेंट कर। करें साइलेंट कर। Please 22 the last call for the radio switching. भाई तुम लोग कहाँ हो? मैं एक भी टिक नहीं लगाऊंगा, डिपार्टमेंट से किक हो जाओगी। लीजा मैं आ तो गई, मैं परसों भी आई थी पर तब कोई था नहीं, थोड़ा लेट में आई थी मैं डेली। हाँ कितने लेट आई थी? मैं आई थी 10-11 तक आई थी शायद। अच्छा मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है ना। आप मेरे को अपना टाइम बता दो। हाँ 9 बजे के बाद आ जाए करो, मैं आ जाऊंगा कभी भी। नहीं मैं हाँ वैसे 9 तक मैं आ जाती हूँ, 9 से 10 ट्रेनिंग दे दूंगा फिर। ठीक है ठीक कूल, थोड़ा हमारा दिन में भी दिक्कत ही रहता है। ओके हाँ ठीक है, मेरे लिए भी 9 सूटेबल है। सेम बट तेरा तो अलग है ना, पर कोई नहीं होगा तो अपन शेरशाह सर से लेते हैं ट्रेनिंग। हाँ
मैं कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं केजे सर हमारे पता नहीं, मतलब मुझे भी इस रास्ते में से लेके जाए। कुछ हुआ है कि सैंडी क्यों जा रहे हैं, कि सैंडी वाले पीडी जा रहे हैं? सैंडी में कोई पीडी नहीं है। नहीं है? तो नहीं ना, कुछ हुआ नहीं है, ट्रेनिंग दे रहा हूँ और क्या, खाली एरिया मिलता है ठीक रहता है। अच्छा 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 आपकी तो आधी लाइफ ऐसे ट्रेनिंग में निकल गई होगी ना। जिंदगी भर यही करते रहते इसलिए और फ्रस्ट्रेशन होता है जब आते नहीं हमारे जैसे कैडेट्स, राइट? हाँ, फ्रस्ट्रेशन तो क्या है भाई, बिना मतलब का तुम लोग डिपार्टमेंट से जाओगे फिर क्या फायदा। ओ हमारे बारे में ज्यादा सोचते हैं, देख रहा है? मिलेंगे ऐसे कहीं, आ जाओ बाहर आ जाओ। अब हमें का बाइक मिल रही है जस्ट आज अभी तुमने अगर बोला ना केजे सर कि जल्दी जल्दी फिर बस छोड़ो। क्या कुछ बोल रहे हो? हाँ मैं बाइक के लिए पूछ रहा था, हमें बाइक कब मिल रही, इफ यू नो व्हाट आई मीन। एनीवेज लीव इट, जल्दी आ रहे हैं किड्स। या सर गेड़िया मारना चाहते हैं? नहीं गेड़िया नहीं, अरे देखो तुम, मानता हूँ तुम सिंगल हो, सिंगल घूमना चाहते हो, बट यू हैव रिस्पांसिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स राइट नाउ। यू कैन सी The responsibilities are standing in front of you. अरे शेरशाह सर स्टड हैं, उनको पता है उनके जितने भी असाइन हैं क्रेडिट्स तीनों लड़कियां। मैंने तो असाइन करी हैं। एफटीओ में तो तुम्हारे ये खड़े। हाँ तो अब उनके हाथ में तो पावर ही है। वही। हाँ तो उन्होंने बस समझ लो अभी आके हम क्या सी। The basic reason behind this was nothing यार, ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था। के एक ही जगह पे रहे, makes sense। नहीं नहीं मैंने अपने अंडर सारी लड़कियां इसलिए ली थी बिकॉज देयर वर सम रीजंस, मान के चलो तुम लोग ना सबके साथ ओपन नहीं थे। सेकंड थिंग वाज आई वांट यू गाइस टू बी बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट, दैट्स व्हाई। वेल सो आई वाज हैविंग फुल कॉन्फिडेंट ऑन दिस पर्सन। हां और ये लोग पूरा सिटी में ही नहीं आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। भाई देख मैं तो आ ही नहीं सकता शायद, मोस्ट ऑफ 21 तक आ जाऊंगा। अरे वहां पता ऑफेंड हो गए वैसे बोल रहा हूं मैं, मोस्ट ऑफ 21 या 22 से आना स्टार्ट कर दूंगा रात को भी जैसे पहले आता था, बट अब भी तो मुश्किल है, मुश्किल क्या इम्पॉसिबल है। मैं भी 2-3 घंटे के लिए आता हूं एनीवेज। चलो मैं इन्हीं लोग के लिए आता हूं बस, और किसी के लिए नहीं आता वरना मैं आता। चलो फिर शुरू करते हैं। तुम लोग की कुछ भी स्टार्टिंग नहीं हुई है ना? नहीं नहीं नहीं, यूआई हो गई। हां हां UI हो गई तभी जॉब मिली है। क्या-क्या कैरी कर रहे हो अपने पास अभी? टेजर, नाइट स्टिक, आईफैग, बैंडेज, फ्लैशलाइट, रेडियो, एविडेंस बैग, रिपेयर किट, ट्रैकर, बॉडी कैम, हैंडकफ्स। यस अरे केविन सर से खाना लेना है। डायरेक्ट टू केविन सर, can you please come here? Please provide them with the food supply. Thank you. Sorry, Lilo. Okay. तुम्हारे जो एफटीए घड़े इनके साथ बांटना तो बांट लेना बाहर। ले लेते कोई चाहिए तो ले लेते, ले लेगी वाला। लाए, लाए, लाए। क्या बात है, शुक्रिया। अब बाइक यहीं खड़ी रहने दो, ठीक है? तब बाइक खड़ी रहने दो फिर, मैं इसी पे वो परफॉर्म करवाऊंगा 10-11। क्या भी ले ले। नहीं ये खोल ना इसको, तब तो बैठूंगा मैं। दे दी मैंने चाबी, देख तू काफी भूख लगी थी भाई साहब। डन थी 5:40 तो बोल रहे हैं, हैव अ नाइस डे गाइस, स्टे गुड। 10:40 ओके गाइस।
स्विच द रेडियो टू 1.5, ठीक है। पहले कॉल देना है कि अपना कॉल साइन स्विचिंग टू रेडियो सो एंड सो फॉर ट्रेनिंग पर्पस, ठीक है। ठीक है, जैसे बोलता हूँ वैसा बोल के एक एक करके देना, ऐसा नहीं कि दोनों भसड़ मचा दे। एक एक 700 स्विचिंग टू रेडियो 1.5 फॉर ट्रेनिंग पर्पस, 908 switching to radio 1.5 for training purposes. 909 switching to radio 1.5 for training purposes. पर ये तो 1.5 पे दिया मैंने। हाँ तो उसका भी मैंने पहले join कर लिया था। उसको वन पे करके दोबारा बोले। एक सेकंड। ये क्या हो गया? My pocket is on my face. Wait. हाँ रेडियो हो रहा है। 908 switching to radio 1.5 for training purposes. ठीक है। मैं तुम्हें पहले कुछ चीजें बता देता हूँ जो डिस्पैच कॉल के यूजेस में मोस्टली होती है, ठीक है। पहला आप लोग का 10:41 एंड 42, कमिंग ऑन ड्यूटी गोइंग ऑफ ड्यूटी, ठीक है। जब भी आप ऑन ड्यूटी आएंगे तो 10:41 बोलेंगे रेडियो पे एज वेल एज पी चैट में। एंड अगर आप रेडियो ज्वाइन करते हैं एंड देयर इज अ सिचुएशन गोइंग ऑन रेडियो पे, चैटर हो रही है, कुछ भी हो रही है, वी विल सिंपली पुट पी चैट दैट 902 or 904 is 1041 dispatch, simple, ठीक है। Dispatch calls क्या होती हैं? Dispatch calls basically ये होती हैं कि अच्छा किसी को ये बताए कि हमें ये numbers क्यों दिए जाते हैं? Percent? नहीं। Ten codes. Like हम ऐसे क्यों नहीं बताए कि शेरशाह लूथरा on duty, शेरशाह लूथरा going off duty, ये 10 codes हमें दिए क्यों जाते हैं? I think ease के लिए, like to make the chatter like small. हाँ, yeah same, to make it short. तो ये basically इसलिए होता है ताकि पुलिस की जो language होती है, when you talk on radio in front of civilian or any suspect, they don't get any idea regarding this thing that you guys are conveying something to your different officer, ठीक है? For example, मान लो कि मैं किसी सस्पेक्ट को वहां लेके जा रहा हूँ, 16 लेके जा रहा हूँ, ठीक है। 16 है स्पेल बॉक्स बेसिकली। ओके, कुछ कुछ कोड्स होते हैं जो तुम्हें मेजरली याद करने होते हैं। ओके, 16, ठीक है। मैं शुरू से बता देता हूँ, 10-2 इज इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज, दैट जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड ना। इसका क्या करूं मैं? वेट अ मिनट, टेक अ नैप ना। एक बार नैप लेकर आओ, तब तक सोनिया भी आ रही है, तो आई विल स्टार्ट बाय द। हां आई हे हे ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਠਾਉਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਰੇ ਦੀ ਨੀ ਪਰਵਾਹ ਮਲੀਏ ਚਲੇ 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 ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਗਵਾਹ ਬਲੀਏ Just take it slow, let it go, roll down all the windows.
connected high, you and I, pinnacle climactic vibe. Show me yours, I'll show you mine. You don't have to pretend we're shy. Let's forget the 9 to 5. I just wanna feel alive. Take it slow, let it go. Roll down all the windows. Hello, कौन है? ब्लरी है सब आर भी मैं ब्लरी सही है ब्लरी सैम और मैं पीडी ट्रेनिंग ले रहे हैं और मोमो दूसरे कैरेक्टर से सुबह 3 बजे लाइट कटी और 2 बार लाइट आई थी जितने देर में ऑनलाइन था बस अब जाके आई बाप रे ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਮਿਲ ਦੇ ਨਾ ਗਵਾ ਬਲੇ ਅਭੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਸੇ ਸਪੌਨ ਹੇ ਕਲੇ ਐਕਸ ਗੇਮਿੰਗ ਵਾਟਸ ਅਪ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹਾਊ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆ ਹੂੰ यार ये ETA कितना लेंगे सोनिया कहाँ गई ठीक है हाँ ट्रैकर तो नहीं देख रहा मैं यार मुझे सेम चीजें फिर रिपीट नहीं करनी हाँ आई कैन अंडरस्टैंड हाँ कोई नहीं हम वेट कर ले हमें कोई जल्दी नहीं 7-4 is cold sir, right? Okay, so one and 9-1 to Sonia. 10-4. With whom you are coming to the Sandy Airfield? 10-4 sir, I'm with cold sir. 10-4. Ask him to bring you fast. He is responding to 9-1 and then I'm coming to you. 10. थकावट भरी जिंदगी है ना अरे उस दिन इतना दौड़ाया था हमें फिजिकल ट्रेनिंग के टाइम पे साइकिल निकाल लेते साइकिल थी ही नहीं गई क्या बात करो गैराज में साइकिल है सेगवे है निकाल के दौड़ाते आपको पता हमने क्या सीन था हमने पहले से मैंने और एक्सेल ने प्लान करा था कि वहां से स्टार्ट होगा हम उल्टा भागेंगे लीजन से रेंट करके सीधे जाएंगे पर फिर उन्होंने सीधे वहां से उधर सीधे सीधे दौड़ा दिया पर हम सीधे रेंट करके मार्क पे खड़ा कर दिया ना सबको तुम हां वरना हमारी तो प्लानिंग थी कि भाई ऐसे तो हम तुम्हें रूट एक ही फॉलो करना था चाहे तुम किसी से लेफ्ट मांगो चाहे तुम उड़ के जाओ वो तुम्हारे ऊपर था भाई पता है बाइक कर लेनी थी रेंटर्स से अरे बोलते ना उन्होंने मार्क पे खड़ा करवा के वैसा 1-2-3 किया ना तो उस चक्कर में कोई कुछ यूज नहीं कर पाया अरे सीधे वो मैं सोच रही थी बहाना मारती कि 2 मिनट काम है कुछ भाग के जाके ले आती बाइक चलो देखो वो अलग चीज होती उसमें मना कर दी थी ऐसा है कि रेस स्टार्ट होने के बाद तुम जो मर्जी करते हाँ तो स्टार्ट होने के बाद ही मैं उल्टा भगती हाँ वो तुम्हारे ऊपर था क्या आई थी रिसेंट कॉल 911 किडनैप का अच्छा अच्छा
thoughts. शहर में कुछ करने को भाई हमारा सार्जेंट है ना एक नंबर का. कौन है? केविन जॉनसन. क्या है वो एक नंबर के? बताओ 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 गॉसिप. खा सड़ा हुआ खाना देखे जा रहा. हाँ ना, इसीलिए दिया उन्होंने क्योंकि खराब हो रहा था. ये लड़की आज के दिन में आएगी नहीं. आ गए बहुत इधर आ गए यहाँ तक प्रिजन तक. एवरीवन टर्न ऑन योर बॉडी. चल तुम लोग आयरन मैन बन के घूमते हो जी. अभी क्या पहन रहा? पहना तो हुआ था पहले. कौन कर रहा है? तुम लोग पे गन है नहीं, होस्टर क्यों लटका रखा है? फ्यूचर मिल सकती है ना. क्या जैसे भगवान ना करे आपके साथ कुछ हो गया कल को हम आपके साथ हुए तो आप किसे निकालनी पड़ेगी ना फिर हमें. मैम आपके हाथ में टीजर क्यों है? वो सिचुएशन पे गए थे ना तो जस्ट इन केस. 9/11 दिखा रहे हैं क्या? क्या दिखा रहे? सॉरी 10/11 9/11 क्या 19/11 सॉरी एनीवेज चलो जब तक मैं. हेलो केविन सर. हेलो मैम बट अ गुड एडवाइस टू यू चेंज योर हेयर स्टाइल. हां आई नो मैम वो मैं करवाऊंगा अभी. गंजी हो जाऊंगा वैसे क्या लगता है सर? सही लगूंगा? हम गंजे का तो पता नहीं. योर हेयर स्टाइल इज कवरिंग योर आई सो दैट्स व्हाई केविन सर जरा वेट और चेंज इट. आई एम बैठे सिंगल सीटर. सिंगल सीटर है तो डबल है. अरे वो डब्बे में बैठ जाओ नहीं पता होगा. अच्छा बैठना एक बारी. डोंट थिंक आई नो दैट इट्स सिंगल और डबल. ओ तुम मैं बैठ सकती हूं और कुछ नहीं. तो मैंने तुम्हें जब तुमने मेरे से बाइक के बारे में थोड़ा सा मतलब मैं घुस जाऊंगा चाहूंगा. हां छोटी सी जगह में घुस जाओगे है ना. यस यस बैठे मेरे गाड़ी में बैठे. ओके आ जाओ एस कल. केविन सर गाड़ी आप यहीं रहने दें. थोड़ा सा रेंट करके निकालो. हम आ ही रहे हैं बस 2 मिनट पहले चले हम भी आते हैं पीछे. आए आए तो 42 को गए थे. अरे वो 42 वैसे 42 गया सिटी रहेगा. अच्छा रहा नहीं जाता. अरे गया कि जिंदा के मर गया? जिंदा जिंदा. सारे आपके नंबर गिरते हैं क्या? कुछ नहीं गिरता हमारा. नहीं तो सही तो. अच्छा ऐसे पूछ रहे थे सर. तुम गुस्सा क्यों काहे हो रहे हो? हाय लीसा. नंबर हमारे सिर्फ एक जगह गिरते हैं. मार्क्स क्लास में. पागल है क्या भाई? ना क्लास से तो हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं. मेरे गिरा करते थे. हां उतरे फंस गई. अच्छा जाए हेयर स्टाइल देख कर आए. केविन सर क्या बोल? 100 रुपए है केविन सर. मैं कैश तो नहीं रखा. क्या है आपका पे? 65. केविन सर देखे हम इतने गरीब हैं. मैं भी ट्राई करती हूँ. बहुत बड़े हैं ये बाल. अच्छे भी नहीं दिख रहे. यही तो बोला मैंने. मैं अपने पहली बार दैट्स एन ओपिनियन. तो मैंने बस अपना पर्सनल ओपिनियन. हां भाई दैट्स एन ओपिनियन. तो आप ऐसे इन जनरल बोल नहीं सकते. पहले अपनी टोपी तो उतार दो उसके बाद हेयरस्टाइल बदल ले. ना मेरे ना टोपी में सुराख कर दूंगी लेकिन टोपी ना तोड़.
इसलिए कहते हैं नशे नहीं करते. नशे करे हो तेरे पास. पीछे करो पीछे करो पीछे करो. मैं हाँ पीछे करो पीछे 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 पीछे. हाँ ये कर लो. आगे वाले ये वाले मेरे को नहीं पसंद. रीना बन जाऊंगे ये देखो. ओ ये मेरे बाल किधर गए गाइस. फट से तैयार हो जाए. आप लोग के पास सिर्फ 2 मिनट है. एंड इट्स 9:43:45 पे चाहे जैसे भी बाल हो मैं बाहर लेकर आता हूं. मेरे बाल घूम गए सर को अपनी पड़ी है. ये बात याद रखें सर. केविन सर ये बताओ कैसे हैं? यार चेंज करो अच्छे नहीं. क्यों अब तो बांध लिए मैंने तमीज वाली लड़की की तरह. फील नहीं आ रही मतलब ना बालों. केविन सर आपको फील क्यों नहीं मेरे बालों में? थोड़ा सा छोटा लग. अबे केविन सर बात तो सुनो. इट्स डन. पहले से अच्छी लगती है क्या? क्यों बताओ ना यार. लेस कहां से आती? लेकिन आई टाइड माय हेयर. पता लग जाता है. देखो शादी बुलाना. लड़की तो मिलना था. अरे एलिस है ना. अरे कुछ ही मतलब एलिस आपकी बंदी है. वही मैं बस मैम को बस कह रहा था कि बाल जल्दी करें. अब भाई मेरे बाल घूम गए मैं क्या करूं? क्या बाल घूम गए? बाल घूम yes. कैसे सकते हैं? घूम जाते हैं वो. ने दाने में तो इनको बोला है पीछे वाले अच्छे लग रहे हैं वो कर ले. अरे 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 हम विग पहनते हैं. तेरा अपना टोपी उतार. टोपा ग्रेट. ये भी ठीक. ए तुमने डाई भी करवा ली? बहुत गंदे लग रहे हैं रहने तेरे पहले वाले से ही थे. ठीक है केच में से निकाल रखे. चल आधे घंटे बैठ के ये ब्रेड्स कराई हैं. वापस ड्राई करवा लिए थे जल्दी. मल्टी टैलेंटेड है यार ये तो. जल्दी जल्दी ड्राई करवा. वो भी टोपा था. वेग दी वेग मेरी वाली ना. टोपा पहनने इज वेरी गुड थिंग. यप. ऐसे हम इधर कर क्या रहे हैं? ट्रेनिंग किस चीज की? हर चीज. अब ठीक है. ओके बॉडी ट्रेनिंग. अच्छा अभी पेल देते केविन सर किसी को. लाइन अप जल्दी वो लाइन पे. जब तक ट्रेनिंग में हो मुझे कोई मजाक कोई ही हाहा कुछ नहीं चाहिए. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? 10-4 यस सर. किसी टाइप का मजाक डिपार्टमेंट से बाहर सीधा. मैं सोचूंगा भी नहीं दूसरी बार कंसीडर करने के लिए. ठीक है 10-4 सर. यस. सो नाउ सोनिया क्या ट्रेनिंग हो चुकी है आपकी? मेरी यूआई ट्रेनिंग हो चुकी है. मेरी पर को याद नहीं रहता थोड़ा. इज दिस हाउ यू गोना पास योर ऑफिसर एग्जाम देन? सर याददाश्त का इशू है सर क्या करें. फिर तो मैम आपको पीडी में नहीं आना चाहिए था. याददाश्त का इशू है थोड़ा सा भूल जाता सर. यूआई ट्रेनिंग हुई है और वो जो सर ने पूरी पीडी में भगाया था वो हुई थी. फिजिकल दैट वाज नॉट अ ट्रेनिंग. हां फिजिकल ट्रेनिंग. डॉक्यूमेंट्स देख कर आए हैं. फट से जाएं डॉक्यूमेंट्स देख कर आए हैं कि कौन-कौन सी ट्रेनिंग हुई है कौन-कौन सी ट्रेनिंग नहीं. सर कहां देखूं ये खड़े-खड़े देख. फोन ओपन करें उसमें मेल होता है. टैबलेट खोलोगे? अपना टैबलेट ओपन करें. शीट व्हिच इज प्रोवाइडेड टू यू गाइस इट्स कॉल्ड क्रेडिट प्रोग्राम शीट. उसमें जाके आप चेक करें.
मैम का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हाँ वो तो मुझे पहले से पता है। एक्चुअली उसी में है क्या? आप जो सामने खड़े हैं आपका नाम? एक्सेल जॉनसन। तीनों का ही कुछ नहीं? हाँ अभी कुछ नहीं हुआ है यहाँ तक मुझे याद है। एक्सेल के फ्रेंड बाय द वे जस्टिन सर और शीन। पता है जस्टिन सर अभी आई गेस है ऑन ड्यूटी। तो ना मैंने बोल देता हूं अभी यहां पे। वैसे लास्ट टाइम मैं आई थी तो सिर्फ दो सोलो कैडेट थे और उनमें से एक ने 10-11 परफॉर्म करके दिखाया था। लाइक प्रॉपर ट्रेनिंग तो नहीं हुई। दैट्स जस्ट अबाउट इट। यू वांट टू जॉइन अस यू कैन। अच्छा बोलो फायर क्राई से हो गया हो तो आ जाए। हां सर सिर्फ उसे यूआई एडमायर को आवा बस ठीक है। क्या बोल रहे हो मैम आप? सर मैं और भी ट्रेनिंग में थी। वो जैसे कि ऊपर बैठे थे उन्होंने तो 1090 का बताया था वो देख रही थी मैं सारा। अच्छा अच्छा समझ गए। मतलब आपका नॉर्मल वॉइस चैट पे आपकी जो क्या बोलते हैं मेल पे चैट पे आपकी जो वो हुई है ट्रेनिंग हुई है ट्रेनिंग गाइड के थ्रू हुई है किसने ली थी? सर वो नहीं याद। ठीक है लेकिन उनकी ये जरूर याद है उनके नंबर बहुत गिर रहे थे। बराबर समझ गया। एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। ऑफिसर के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कोई मुझे बता सकता है तीनों में से क्या होएगा? मतलब इंट्रोडक्शन में नहीं मैं वैसे जनरली पूछ रहा हूं ऑफिसर का पावर क्या होती है सबसे मेन पावर ऑफ द ऑफिसर व्हाट इट इज? प्रेजेंस। ओके प्रेजेंस। एलेक्स व्हाट अबाउट यू? Yes, presence, I think. Okay. Lisa, what about you? Authority. Okay. They are the secondary part, but the main part or main weapon, as you can say, of police officer is how they talk to others, basically. How they communicate. So basically their tone, which they use towards civilians or any suspect or any criminal, that is their main weapon. ठीक है? Okay. तो हाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन टू अ सिविलियन टू एनीबडी लाइक एनी सस्पेक्ट और एनी क्रिमिनल इट डिपेंड्स ऑन योर टोन हाउ यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। सोनिया चलो अपने आप को मुझे इंट्रोड्यूस करके बताओ लाइक फिर आई विल गिव यू कि कैसे इंट्रोडक्शन प्रॉपरली करते हो। दिस इज कैडेट सोनिया सेन को आई एम हियर एट योर सर्विस। आगे मुझे नहीं पता मैं क्या ही कहूंगी। नो इश्यूज आप बताएं। दिस इज कैडेट एक्सेल जॉनसन। दैट्स इट। लीसा दिस इज 908 कैडेट लीसा स्मिथ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस आर कैडेट फॉर ओनली पुलिस डिपार्टमेंट वो हम रैंक्स बाइफरकेट करने के लिए बोलते हैं आप लोग को कैडेट। बाकी सिविलियंस के लिए किसी भी सस्पेक्ट के लिए किसी भी क्रिमिनल के लिए यू गाइस आर एन ऑफिसर टू द यू गाइस विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज एन ऑफिसर ऑफ लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट नॉट एज अ कैडेट ऑफ लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके यस सर। किसी को भी इंट्रोडक्शन देना है किसी को भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है यू विल ऑलवेज से दैट गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून लाइक दिस इज द डॉन टाइम सो गुड इवनिंग सर myself officer Shesha Lutra from LSPD ठीक है ये चीज आप लोग के इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट्स रहती है हमेशा। आइदर वे इफ यू डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज योर नेम सो यू गाइस कैन यूज योर कॉल साइन एज वेल कि गुड इवनिंग मैम और सर दिस इज ऑफिसर 702 फ्रॉम LSPD
ठीक है, ये चीजें तुम करके बोल सकते हो. एंड योर टोन शुड बी इन अ वेरी प्लेजेंट मैनर एंड अ वेरी प्रोफेशनलिज्म प्रोफेशनलाइज्ड वे बेसिकली. ठीक है. ओके. सो इंट्रोडक्शन वगैरह कहाँ कहाँ पे काम आती है. बेसिकली परफॉर्मिंग एट 10-11. 10-11 इज अ ट्रैफिक स्टॉप. ठीक है. व्हेनेवर यू स्टॉप समबडी ऑन स्ट्रीट और ऑन main roads or any highways or anywhere, you will introduce yourself always when you go to talk to them at very first. aisa nahi hai ki haan bhai tere ko kyu roka, tujhe pata hai ya tumhara naam kya, jati id card dikhao, wo sab dikhao, ye sab kuch nahi. pehle jaake apne aap ka problem introduce karna hai and then uske baad aage badhna hai. theek hai. ye introduction part aapka har cheez mein mostly use hoega, like your negotiation part, like your breaching techniques, like your traffic stops, felony stops, any kind of stops. ठीक है? Yes. Okay. So let's move to the second part of your training. Fluent use of dispatch. Dispatch का जैसे कि मैं पहले बता रहा था आप लोग को कि why do we use dispatch? बाकी दो लोग से मैंने पूछा, सोनिया why do we use dispatch calls? Why do we use 10 codes on radio? सर दो क्वेश्चन है कि डिस्पैच क्यों यूज़ करते हैं, कोड यूज़ क्यों करते हैं. डिस्पैच इसलिए यूज़ करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें इजी हो कि पता लग जाए कि अगला बंदा किधर है एंड व्हाट्स द सिचुएशन गोइंग ऑन इन द सिटी. एंड वी यूज़ कोड्स सो वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. एंड कोई दूसरा पर्सन अगर हमारे करीब कोई क्रिमिनल है या एनीवन, तो वो हमारी बात ना समझे. दैट्स व्हाई वी यूज़ कोड्स. सो मतलब एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ सर, जैसे कि अब यहाँ पे कोई सिचुएशन चल रही है और मैं वहाँ पे बैकअप बुला रही हूँ, तो उनको अगर मैंने नॉर्मल वर्ड्स में बोला तो उनको समझ आ जाएगी बैकअप है, तो दे कैन डू एनीथिंग. अगर मैं कोड से बात करूंगी दे वोंट अंडरस्टैंड. एग्जैक्टली. ठीक है. तो व्हाट डू यू गाइस नो, व्हाट आर द प्रायोरिटी कॉल्स एंड व्हाट आर नॉन प्रायोरिटी कॉल्स? किसी ने 10 कोड्स की शीट ओपन की है अभी तक? तो इसका मतलब क्या होता है, कोई इंटरप्रेट करके मुझे बता सकता है? आई गेस इट्स कि किस चीज की कितनी इम्पोर्टेंस है और for what we need to respond first. Okay. Think, what about you, Alex? I think that will be like कि अगर कुछ बड़ा हो रहा है उसको priorities देंगे call पे, जैसे किसी का like accident वगैरह हुआ या फिर कुछ kidnapping हुई, those things. Okay. And Sonia, anything different from these two? Sir, जितना कम chatter रखेंगे उतना इजी होगा दूसरे की कॉल को समझना. सो प्रायोरिटी कॉल गोज फॉर दैट कि मतलब सिर्फ जरूरी वहां पे बात हो, नथिंग एल्स देन फजूल की जो बातचीत होती रहती है. और मे बी वी कैन जस्ट स्विच टू अनदर रेडियो अगर इतना है तो. नहीं नहीं, मैं वो तो सिचुएशन बेस्ड चीज हो गई ना. मैं तो बस ले, मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोग? एनीवेज कोई बात नहीं. तो प्रायोरिटी कॉल्स जो आप तीनों ने बोला पार्शली तीनों के सही थे. ठीक है. तीनों को मिला के एक पर्टिकुलर पॉइंट बनता है कि जो भी रेडियोस पे कॉल अगर मैंने दी है कि देयर शुड बी अ प्रायोरिटी कॉल, तो देयर शुड बी अ मिनिमम चैटर ऑन द रेडियो एंड ओनली दी कॉल्स रिगार्डिंग द सिचुएशन, व्हाटएवर सिचुएशन इज गोइंग ऑन शुड बी देयर. फॉर एग्जाम्पल मान लो 1080 परफॉर्म कर रहा हूँ किसी फेलनी व्हीकल के ऊपर एंड रेडियो पे चैटर चल रहा है, सर यहाँ से लेफ्ट ले रहा है, सर वहाँ से राइट ले रहा है, सर मैं पिट के ले जाऊँ, सर मैं रैम करूँ, ये सब चल रहा है. एंड आई एम द कमांडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड मैं बस रेडियो पे ये बोलता हूँ कि 10-3 ऑन द रेडियो एंड ओनली द प्रायोरिटी कॉल्स. तो प्रायोरिटी कॉल्स ये रहेंगी, अगर किसी के पास विजुअल्स नहीं जा रहे हैं, ही विल ओनली से दैट आई डोंट हैव विजुअल्स, प्लीज गो फॉर द कॉम्स. तो जो प्राइमरी होगा वो फिर कॉम्स के लिए जाएगा एंड नोबडी एल्स विल इंटरप्रेट और डिस्टर्ब हिम इन बिटवीन. ठीक है. कोई भी कॉल्स ओवरलैप नहीं करेगा, वो सब चीजें जो होती है. फॉर एग्जांपल उन्हें हम प्रायोरिटी कॉल्स एज डिस्कस करते हैं. इसका एक दूसरा पार्ट भी होता है विच वी कंसिडर प्रायोरिटी कॉल्स,
जो बेसिकली होता है किसी सिचुएशन पे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो देन देयर इज अ ऑफिसर डाउन लाइक 71 की कॉल आती है ठीक है तो आप 911 पे रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो आप 911 को छोड़ के पहले आप अपने ऑफिसर को बचाओगे देन यू विल रिस्पॉन्ड टू द 911 और आइदर यू विल टेल ऑन द रेडियो दैट प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस लेटेस्ट 71 ए और बी आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू द 911 तुम्हारा पहला कॉल हमेशा ये रहेगा कि या तो वो ऑफिसर डाउन है या तो वो मेडिक डाउन है उसको उठाने जाना ठीक है किसी ने 78 मंगाया है तुम लोग रैंडमली किसी के ऊपर 10-11 परफॉर्म कर रहे हो किसी ने 78 बुलाया है ठीक है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेलोनियस स्टॉप और एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट स्टॉप आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फेलोनियस आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रैफिक स्टॉप या अगर किसी ऑफिसर ने बोला कि आई नीड 78 ASAP तो यू गाइस शुड लीव दैट सिचुएशन ऑन द स्पॉट एंड यू शुड प्रोवाइड हिम द 78 कॉल का मतलब होता है इमरजेंसी बैकअप किसी ने 77 बुलाया तो यू गाइस कैन कैरी ऑन विद द सिचुएशन अनटिल एंड अनलेस ही रिपीट्स हिमसेल्फ ऑन रेडियो 2 or 3 टाइम्स अगर उसे नहीं मिली है तो अगर वो 78 बुलाता है एंड देयर इज नो ऑफिसर अवेलेबल अपार्ट फ्रॉम हियर देयर इज नो यूनिट अवेलेबल यू शुड लीव द सिचुएशन एंड यू शुड रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन टू दैट कॉल बेसिकली ठीक है उसके लिए भी परमिशन लेना जरूरी है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 78 बुला रहा हूँ तो तुम लोग सारी सिचुएशन छोड़ छाड़ के भाग के आ दो एंड पता चल रहा है कि तुमने एक बंदे को रोक रखा है जिसके पास गन थी इलीगल और वो भाग लिया ठीक है तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अभी क्या क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकते गो थ्रू विद द 10 कोड्स थरली आई डोंट वॉन्ट यू यूज लाइक आई एम performing this I am coming quickly I will meet you at over here just use your 10 codes like please 25 me here I will be at this 20 main ye nahi bolna sunna chahta hu kisi bhi radio pe specially from my cadet as well as whom I training basically abhi ke liye theek hai ki bhai main location pe pahunch gaya hu I am on route I am ye simply use 76 I'm at 20 I'm 23 at this situation ठीक है ये सब चीजें तुम यूज करोगे इज दैट क्लियर टू एवरीवन यस एंड फॉर तुम लोग के लिए आगे जाके इजी हो जाएगा ये बाकी सारी चीजें ठीक है अब फ्लुएंट कॉल्स क्या होती हैं बेसिकली फ्लुएंट कॉल्स का मतलब ये है कि तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए लाइक एग्जांपल लाइक यू गाइस डोंट नो अभी 10 कोड्स अभी तुम्हें पता नहीं है ठीक है तो फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम लोग को रिस्पॉन्ड करना है किसी भी सिचुएशन पे Like 911 है यहाँ पे and you guys are responding so really अपना call sign बोलोगे like 702 responding to the latest 911 ठीक है और कोई radio पे पूछता है कि what's your 20 तो तुम बोलोगे कि sir I am on route to the situation अभी I am reaching at the situation radio के बीच में ठीक है ये सब चीजें जो होती है ये सब neglect करना basically ठीक है Try to keep your radio calls minimum, like 41 के call देना 702-41 dispatch, simple. कुछ जरूरत नहीं है 702 going 41 dispatch for the day, कुछ नहीं ठीक है Simply 702-41 dispatch. और switch करना है radio, 702 switching radio 1.1 for this purpose, simple. कुछ ज्यादा explanation देने की जरूरत नहीं है कुछ बताने की जरूरत नहीं है जस्ट इन केस कोई सीनियर अगर पूछ लेता है तो जस्ट स्विच टू दैट रेडियो एंड आस्क हिम टू स्विच टू द पर्टिकुलर रेडियो सो दैट रेडियो नंबर 1 क्लियर रहे ठीक है रेडियो पे ही नहीं शुरू हो जाना है किसी भी चीज के रेडियोज आपको दिए जाते हैं टू ईज योर कम्युनिकेशन विद योर ऑफिसर फेलो ऑफिसर नॉट टू चैटर अराउंड ठीक है तो आई गिव यू वन सिचुएशन There is one 911 call. उसकी बेसिक कॉल जो होती है वो तुम लोग यूज करोगे कि जो भी तुम्हारा कॉल साइन है रिस्पॉन्डिंग टू द लेटेस्ट 911 सिचुएशन एंड देन जब तुम वहां पे पहुंच जाओगे यू हैव टू से 23 एट द लेटेस्ट 911 ठीक है 23 का मतलब होता है अराइव एट द सीन 911 तुम लोग को पता ही है व्हाट इट इज 76 इज इन रूट एंड बाकी तुम्हारा कॉल साइन और वो चीजें तुम्हें पता ही है तो
सोनिया से स्टार्ट करते हैं. गिव मी अ प्रॉपर कॉल दैट यू आर रिस्पोंडिंग टू अ 911. 911 रिस्पोंडिंग टू द लेटेस्ट 911. ओके एंड एलेक्स. 902 रिस्पोंडिंग टू द रीसेंट 911 विद कोड 2 और कोड 3. ओके. 90876 टू द रीसेंट 911. ठीक है. अब जो एलेक्स ने यूज किया कोड 2 वो किस लिए होता है? कोड 1 कोड 2 कोड 3 का मैं तुम लोग को बेसिक मतलब कोड 1 इज पेट्रोलिंग, कोड 2 इज विद लाइट्स एंड कोड 3 इज विद सायरन एंड लाइट्स. इट्स यूज्ड इन इमरजेंसी. ओके. तो मैं कोड 2 का मतलब तुम लोग को बेसिकली समझा देता हूं कि कोड 2 जो होता है यूज बेसिकली जब हम कॉल देते हैं कि 70276 टू द लेटेस्ट 911 फॉलोइंग कोड 2. इसका मतलब ये होता है कि जो आसपास के सिविलियंस रहते हैं उन्हें ये पता चल जाए कि हम सिटी लिमिट्स की स्पीडिंग से ओवर स्पीड करते हुए इमरजेंसी लाइट ओपन करके जा रहे हैं बिकॉज देयर इज वन इमरजेंसी गोइंग ऑन. ठीक है. एंड कोड 3 और कोड 2 का बेसिक मोटो ये रहता है कि कोड 3 जो होती है वो मोस्ट प्रोबेबली ओनली प्रायोरिटी सिचुएशंस में यूज होती है. फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग वन ऑफिसर टू अ पेल बॉक्स, फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग एनी सिविलियन टू अ पेल बॉक्स, और यू आर इन अ पर्टिकुलर 80 बेसिकली ये होता है किसी भी व्हीकल के ऊपर चेस करना. ठीक है. तो इन सब सिनेरियोज में आप लोग कोड 3 यूज करेंगे बिकॉज दीज आर दी वेरी प्रायोरिटी एंड इमरजेंसी सिचुएशंस. ठीक है. ताकि बाकी जितने भी सराउंडिंग्स के व्हीकल्स हैं और बच्चे कुछ सिविलियंस हैं जो जे वॉकिंग कर रहे हैं या जो आसपास घूम रहे हैं उन लोग को पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर एरिया में सिचुएशन चल रही है और वो लोग यहाँ से हट जाएं. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. तो अब आई टेल यू व्हाट विल बी द बेसिक कॉल फॉर द 911. जैसे ही डिस्पैच पे आपको डिस्पैचर आपका बताता है देयर इज अ 911 सिचुएशन एट ग्रेप सीड, तो आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे 70276 टू द लेटेस्ट 911 फॉलोइंग कोड 2. देन व्हेन यू रीच ओवर देयर यू विल से 702 टू डिस्पैच, और जरूरी भी नहीं है डिस्पैच बोलना, 702-23 एट द लेटेस्ट 911 एट ग्रेप सीड. जो लास्ट में लोकेशन होती है वो आप लोग को बताना इसलिए जरूरी होती है कि फॉर एग्जांपल ले लो कि मल्टीपल 911 कॉल्स आ रहे हैं. ठीक है. तो 702 ने किस पर्टिकुलर लोकेशन पे रिस्पॉन्ड किया है वो डिस्पैच को पता चल जाए. ठीक है. yes. तो इस जाती हो यार सॉरी तो इस चीज को आप लोग यूज करोगे. ठीक है. तो स्टार्टिंग विद दिस सोनिया, अब ये जो पुलिस व्हीकल है ठीक है इसके पास से 911 आपको आई है. यू आर इन 19. मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, ये तीनों के लिए सिचुएशन है, तीनों की कॉल्स मैं सुनूंगा. ठीक है. यू आर इन 19. आप लोग को 10 कोड यूज करने हैं, मैंने 10 कोड बता दिए क्या है एंड बाकी कोई ऑफिसर अवेलेबल नहीं है एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर 911 ओवर हियर. तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? At Grand Sonora. Hmm. 908 responding to the recent 911 at Sandy. 908 please raise the 911 latest at Sandy. एक सेकंड, इसमें मेरे को एक क्वेश्चन है सर. पूछिए मुझे. अगर जैसे if I am the only one there. Hmm. Like if not the only one, but जैसे मेरे seniors हैं, they are somewhere else. Hmm. एंड आई नो दैट 911 वो मैं नहीं कर सकती या कुछ ऐसा, तो डू आई नीड टू आस्क दैट ऑन रेडियो और जस्ट आई कैन जस्ट गो एंड आई कैन जस्ट गिव द कॉल कि आई एम रिस्पोंडिंग टू इट? गुड क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल यू आर अ कैडेट, यू कैन नॉट रिस्पोंड टू द सिचुएशन. ठीक है. या इफ देयर इज अ एफटी और एफटीए अवेलेबल और एनी सीनियर, वैसे तो कैडेट्स को अलाउड नहीं होता है बट फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आप सोलो कैडेट में बन, आप सोलो कैडेट बनते हो ठीक है,
तो इन आर डिपार्टमेंट अभी हम सोलो कैडेट को भी रिस्पॉन्ड करने का अभी तो ट्रेनिंग चल रही है ना तो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप सोलो कैडेट हो एंड वी थिंक दैट यू आर केपेबल सो यू विल सिंपली आस्क ऑन रेडियो दैट किसी से भी लाइक कोई भी सीनियर है आप उससे जैसे केविन सर हैं 702 डायरेक्ट टू 500 तो वो बोलेंगे 10-4 सेंड इट सो से देयर इज अ 911 फ्रॉम ग्रेप सीड शुड आई रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन ओके तो इफ इट सेज यस सो यू विल रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन तो ये सेम कॉल फिर उनके हाँ बोलने के बाद देनी हाँ ये उनके बोलने के बाद देनी तो इफ ही सेज नो एंड बेसिकली वो सामने से ये बोलेंगे कि इट्स ओके आई विल टेक केयर ऑफ इट तो यू शुड नॉट गिव द कॉल ठीक है अदरवाइज अब मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ सोनिया आपने कोड 2 मिस किया जैक थोड़ा सा और फ्लुएंट होने की जरूरत है एंड लीजा थोड़ा सा ये जो आप हिचक रही थी आई नो पहली बार था जो थोड़ा सा हिचक थी आपके अंदर की नहीं वो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था ना कि लाइक शुड आई आस्क दिस बिफोर और शुड आई लाइक इंस्टेंटली गो फॉर इट अभी जो मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ वो तुम लोग को रेडियो पे कॉल्स देना सिखा रहा हूँ वो सब सिचुएशंस जो आपकी होती हैं वो बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है जब आप ड्यूटी देंगे ना आप अपने आप सीख जाएंगे ठीक है मुझे आप लोग को बेसिकली ये भी सिखाने की जरूरत है लाइक यू विल सी मी अराउंड कॉलिंग ऑन रेडियो यू विल सी अदर ऑफिसर्स seeing so and so, you will learn it out. But यहाँ पे मैं perfections के लिए हूँ इसलिए मैं आप लोग से दोबारा बुलवा रहा हूँ ठीक है So starting from Lisa, same situation. Just give me a second. Director Cole sir, are you taking care of the latest 71? 10-4. अब यहाँ पे मैंने क्या गलती की किसी ने देखा किसी ने कुछ नोटिस किया ये भी एक फ्लुएंट कॉल्स ऑन डिस्पैच का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है नो आइडिया सर कोड पार्ट बस यही पूछा है उनसे कि अभी जो लेटेस्ट 71 है कि उस पे रिस्पॉन्ड कोई कर रहा है कि नहीं मैं कौन से रेडियो पे था इससे पहले Radio 1. Oh yeah, you are on 1.5. Exactly. Whenever you switch your radio, you always tell on the radio or notify on the radio that I'm switching to radio so and so. Okay? And us situation pe ja ke aap uske bare mein pooch lo and then you come back to the same radio. Okay. Yep. So this is also the very most important part of your training known as fluent calls on dispatch. ठीक है तो स्टार्टिंग विद लीजा सेम सिचुएशन है गो फॉर द सेम कॉल्स द 911 हां द 911 ओके 908 रिस्पोंडिंग टू द रीसेंट 911 एट सैंडी विद कोड 3 राइट फॉलोइंग कोड 2 ओके फॉलोइंग कोड 2 ठीक है 909 रिस्पोंडिंग टू द रीसेंट 911 फॉलोइंग कोड 2 जो मेजर चीजें हैं ठीक है वो मैं आप लोग की ट्रेनिंग बाद में दूंगा फॉर एग्जाम्पल 80 की कॉल आउट देना ठीक है वो जब तक आपकी कॉल्स ये वाली फ्लुएंट नहीं हो जाएंगी तब तक आप 80 की कॉल्स कॉल आउट्स नहीं दे पाओगे तो 80 की कॉल आउट्स एंड 70 की कॉल आउट्स भी इनके अंदर इंक्लूड होती है ठीक है फ्लुएंट कॉल्स ऑन डिस्पैच के अंदर इंक्लूड होती है दैट्स अ सेकेंडरी पार्ट ऑफ तो साइड में क्यों नाउ वी शिफ्ट टू अ वेरी मेजर एंड वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग दैट इज योर ट्रैफिक स्टॉप ऑल्सो नोन एज 10-11 ऑन अ पर्टिकुलर व्हीकल ठीक है ये किस किस केस में होता है ट्रैफिक स्टॉप ओनली जैसे किसी ने ट्रैफिक नहीं वो सिग्नल ब्रेक करा है एंड वी कैन से कि अगर उस गाड़ी के ऊपर वारंट एंड वी नो दैट इट्स द सेम कार वी कैन आल्सो परफॉर्म टू जस्ट कंफर्म दैट कि वो सेम बंदा है या सेम कार है वो तो कोड 5 होता है ना शायद Okay. वो तो फेलोनी स्टॉप आ गया ना फेलोनी स्टॉप डिफरेंट है एंड ओवर स्पीडिंग
तो बोला ना सिग्नल ब्रेक करना. ठीक है मैं बताता हूँ. ओके इन्फ्रैक्शंस कॉल्स जितने भी होते हैं इन्फ्रैक्शन बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्राइम और चार्जेस यू कैन से. ठीक है इन विच वी इंक्लूड इन्फ्रैक्शंस मिसडेमेनर एंड फेलिनी. इन्फ्रैक्शंस आर बेसिकली पेटी क्राइम्स जो चार्जेस होते हैं फॉर एग्जांपल ले लो ओवर स्पीडिंग करना या ट्रैफिक रूल्स नॉट नहीं फॉलो करना जे वॉकिंग करना ये सब चीज़ें इन्फ्रैक्शंस होती हैं. ठीक है मिसडेमेनर्स में ले लो लाइक कोई नॉर्मल थेफ्ट किया है व्हीकल चुराया है 67 की कॉल्स है ये सब चीज़ें जो होती है ये आप लोग के मिसडेमेनर्स होती हैं. ठीक है मिसडेमेनर बेसिकली जो फेलिनी चार्जेस होते हैं उससे कम हार्श होते हैं एंड दे आर नॉर्मल चार्जेस. इसमें ज्यादा फाइंस नहीं होता ज्यादा चार्जेस नहीं होते या माइल्ड फाइंस एंड माइल्ड चार्जेस. एंड जो तुम्हारा इंफ्रैक्शंस होता है उसमें से फाइन होता है नो जेल. ओके हां सर आप फेलिनी बता दो आप. हां तो फेलिनी के अंदर दो टाइप के चार्ज होते हैं एक होता है एचयूटी एंड एक होता है नॉर्मली जो पुलिस जेल टर्म डिसाइड करती है. ठीक है फॉर एग्जांपल ले लो कि किसी ने रॉबरी की है लाइक फ्लिका बैंक में रॉबरी की है तो वो फेलिनी क्राइम होता है उसके लिए पुलिस उनको चार्ज कर सकती है. फॉर एग्जांपल किसी ने पुलिस पे टेररिस्ट अटैक किया या कहीं पे गैंग वॉर सिचुएशंस थी जहाँ पे मल्टीपल सस्पेक्ट्स पाए गए एंड उनके पास रिकॉर्ड्स हैं तो वो एचयूटी के अंदर कंसिडर करेंगे. एचयूटी इज ऑल्सो नोन एज held under trial. Basically the DOJ department or the court will decide कि उनको क्या चार्ज हमें प्रोवाइड करना है. ठीक है कितना जेल टाइम कितना फाइन कितना सॉविंग उन्हें हमें देनी है वो सब कोर्ट के ऊपर है. ठीक है yes sir. Okay so traffic stops जब भी perform होती है majorly infractions में count होते हैं. ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट उनके ऊपर फेलिनी स्टॉप्स परफॉर्म किया जाता है. सोनिया अगर कोई भी वारंट किसी के ऊपर निकला हुआ है किसी व्हीकल के ऊपर बोलो सेट है ठीक है बी ऑन लुकआउट है या कुछ भी है सबसे पहला काम हम लोग का रहता है कि हम उस पर ट्रैफिक स्टॉप परफॉर्म करें एंड इफ इज नॉट लिसनिंग देन वी विल एस्केलेट आवर फोर्स टू अ फेलिनी स्टॉप बेसिकली. सो इट्स फर्स्टली इट्स 10-11 and if it's he doesn't cooperate 10-11. It's okay it starts with 10-11 okay it's always a 10-11 and it also depends not... on the situation na sir kya agla banda kar raha hai ki nahi obviously so if the person doesn't cooperate then it's a felony stop depends which situation that is agar uske paas kuch chupane ko hoga to obviously baat hai wo rokega hi na to iska matlab ye nahi hai ki will directly aisa ki we will be performing court fight 10-11 मान लो कि तुमने उसके पास वेपन देखा है. ठीक है तुमने वेपन देखा है पिल बॉक्स से उसको बाहर निकलते हुए एंड इट्स अ क्लास 3 वेपन वो गाड़ी में बैठ के जा रहा है उसने गाड़ी तुमने उसको सायरन बजाया उसने गाड़ी रोक ली है तुम कॉल दोगे दैट आई एम परफॉर्मिंग 10-11 ऑन सो एंड सो व्हीकल. ठीक है टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स बताओगे किस लिए रोका है वो सब कुछ नहीं बताना है सिंपली बोलना है कि आई नीड 78 बिकॉज यू हैव द विजुअल कंफर्मेशन ऑफ क्लास 3 वेपन. तुम उसके पास जाते हो अनलेस एंड अंटिल ही इज अ फेलन तुम्हें कंफर्म है दैट ही इज अ सस्पेक्ट और अ क्रिमिनल उसके पास कोई वेपन है या फिर किसी के ऊपर वारंट है देन ओनली यू कैन फॉर्म अ फेलनी स्टॉप एंड उसके बाद तुम्हें बैक एग्जैक्टली तो तुम फिर उसके बाद वो उससे बोलोगे मैं तुम लोग को सिचुएशन एक बार बता देता हूँ ताकि तुम लोग को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए. ठीक है कि तुम उसको बोल रहे हो सर बाहर आइए वो नहीं उतरता है सर क्यों आऊँ क्या है किस लिए तो यू विल बी लाइक कि सर मैं बताता हूँ ये जस्ट स्टेप आउट ऑफ योर व्हीकल एंड थ्रो योर कीज वो नहीं सुनेगा बेसिकली. ठीक है सिंपली विल गो बैक टू योर व्हीकल एंड यू विल गिव अ कॉल ऑन रेडियो दैट वी विल बी परफॉर्मिंग कोड 5 फॉर 10-11 ए ऑन अ सो एंड सो व्हीकल. ठीक है ड्राइवर नहीं उतरते बेसिकली सिर्फ उसमें से जो भी उतरता है उनका राइड अलॉन्ग पार्टनर उतरता है कैरिंग अ वेपन इन हिज हैंड एंड पॉइंटिंग एट द व्हीकल. ठीक है तो ये बेसिकली फेलनी होती है. सर एक और पॉइंट ऐड कर दूं बताएं सर वो जो रेड लाइन होती है ना फुटपाथ के साथ उधर 10-11 परफॉर्म नहीं कर सकते हम. मैं अभी क्या बता रहा था आपको वही
आई नो रेमंड सर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, समझ सकता हूँ मैं। उन्होंने 9/11 का भी एक क्वेश्चन यू से बताया है, आपने अभी लास्ट में ये 10/11 ए बोला ना सर? यप। व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? फेलिनिस्ट ऑफ। ओके सो बेसिकली अच्छा उसके ओके ओके ऑल्टरनेटिव डोंट यूज द टर्म 10/11 ए हम नेचुरली यूज नहीं करते। ओके गॉट इट। आई वाज जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू बेसिकली। ठीक है ठीक है। सोनिया जी आपकी क्या क्या ट्रेनिंग हो रखी है मुझे सब पता है, इसलिए मैंने आपसे आके इसलिए पूछा भी था कि आपकी क्या ट्रेनिंग हुई है इफ यू रिमेम्बर। एंड जो वो स्टिक नहीं था उधर तो इसलिए मुझे पता नहीं था। स्टिक होगा भी नहीं जब तक मैं या केविन सर नहीं देख लेंगे दैट यू आर परफेक्ट। ये तो सर जब आपको पता था टिक नहीं हुआ तो फिर I was checking your awareness तो and presence. कि अभी तक आपने किसी FTA, FTO से क्या-क्या सीखा है? तो बता दिए ना सर। तो बताया। Anyways, कोई बात नहीं। सर। ठीक है। यादाश्त। कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ traffic stop में basically करना क्या होता है। आपको जाना है वहाँ पे theoretically बता रहा हूँ, practical भी बताऊँगा दोनों चीज़ and then you guys will be performing same चीज़ें। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन देना है वहाँ पे उतर के जाने के बाद, एंड देन यू विल आस्क हिम कि व्हाई डू वी स्टॉप यू, या मैंने आपको क्यों रोका है, किस लिए रोका है क्या आपको पता है। अगर वो बताता है सो इट्स वेल एंड गुड, यू विल ट्राई टू हैव सम कन्वर्सेशन, आस्क हिम कि क्यों किया, किस लिए किया, क्यों तोड़ा, क्या जो भी सिचुएशन है। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तुम लोग को फ्लुएंट होना पड़ेगा किस चीज में, व्हेन यू गिव अ रेडियो कॉल फ्रॉम योर व्हीकल टू द डिस्पैच। ठीक है, अब मैं तुम लोग को ये जो पीछे व्हीकल खड़ी है इसमें केविन सर बैठेंगे अभी या जस्टिन सर बैठेंगे, ठीक है, एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा बेसिकली रेडियो के ऊपर भी और नॉर्मली भी, एंड देन यू गाइज विल गेट टू नो अबाउट दैट। ठीक है, बैठो गाड़ी में बैठो, हॉप इनटू द व्हीकल। अब ये सामने व्हीकल खड़ी है, ठीक है सर, थोड़ा आप चलाना फिर मैं आपको रोकूंगा। ठीक है, अब नाउ जैसे ये मान लो ओवर स्पीडिंग कर रही है, ठीक है, करके ये साइरन कर दिया, ठीक है ठीक है, ताकि उसको पता चल जाए, मैं पास में जाऊंगा सर प्लीज पुल ओवर टू योर राइट। अब वो पुल ओवर करता है दो फुटपाथ पे और दो बसे, आपको साइरन बंद कर देने, लाइट्स ऑन कर लेने, ठीक है। व्हाट यू विल डू, व्हीकल का स्टांस देखना क्यों खड़ा करते हैं, मैं आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है, ऐसे बेसिकली। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं टेढ़ा हो गया? नहीं, अभी वो थोड़ा सा व्हीकल वैसे खड़ी है इस वजह से मैंने टेढ़ी कर रखी है। अब मैं आप लोग को नीचे है, अब ये व्हीकल की स्टांस ऐसे क्यों खड़ी है, ये व्हीकल की स्टांस मैंने इसलिए ऐसे खड़ी कर रखी है ताकि उधर से अगर कोई व्हीकल आ रही है, ठीक है, एंड मान लो तुम ड्राइवर ने कुछ भी किया, तुम ड्राइवर के पास जाती हो, ओके ठीक है, तो अगर आपका जो ड्राइवर है जो आपको गाड़ी चला रहा है वो ऐसे व्हीकल खड़ी करता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप ऑपोजिट साइड फुटपाथ पे जाके खड़े होके उससे बात कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये ड्राइवर है, अब वो सामने से अगर उधर से व्हीकल आएगी तो आपको ठोकर मार के या कुछ टक्कर वगैरह मार के चली ना जाए, इसलिए आपका जो ड्राइवर होता है या जो भी पुलिस व्हीकल होती है वो ऐसे खड़ी की जाती है स्लांट वे में, ठीक है। अभी थोड़ी ज्यादा बाहर है जस्ट बिकॉज ये व्हीकल थोड़ी सी बाहर थी, यहाँ पे फुटपाथ प्रॉपर नहीं है इस वजह से। ऑलवेज कंसिडर कि आपके दो टायर्स फुटपाथ पे हैं और दो टायर्स इस पे रोड पे होने चाहिए, एंड सेम गोज विद इन द सस्पेक्ट और द व्हाट डू वी से पर्सन वी आर स्टॉपिंग, क्रिमिनल पर्सन या द पर्सन वी आर स्टॉपिंग, ठीक है। अब मैं गाड़ी में बैठ के कॉल देता हूँ, लिसन टू दैट वेरी केयरफुली, ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं, नीचे ही रहो नीचे ही रहो। अरे सो आई नाउ आई विल बी गिविंग अ कॉल, ओके 702 टू डिस्पैच परफॉर्मिंग 10/11 ऑन
four black color sedan. 22 is the last one. I got distracted. Okay, so 702 to dispatch, performing 10-11 on a black color SUV near Sandy Airfield. Total number of 1 occupants, no need of additional. Okay, so isme pehle aap log apna call sign bolna hai, like okay. 702, 911, jo bhi aapka call sign. Then you will describe the vehicle, ki vehicle description kya hai. Then you will tell the 20 of the particular vehicle ki kahan pe aap 10-11 perform kar rahe ho. And total number of occupants us vehicle ke andar kitne. For example, you are 2 in your vehicle and there are total number of 4 occupants. Okay. You will call simply a 77, theek hai? Not an emergency backup, just a normal backup so that aapke paas agar koi situation escalate karti hai to aapke paas bhi man force ho usko escalate karne ke liye, theek hai? Theek. So you will generally call need 77 or no need of additionals basically. Okay. Theek hai, ye do cheeze aap log ko bolni hoti. Sorry. And then fir aap vehicle ke paas aate ho jahan pe. Good afternoon, sir. This is 702 from LSPD. Can you please turn off your engines and roll down your windows? Sure. Engine off karwana aur roll down window karwana sabse important cheez hai, theek hai? Okay. Then aap unse bologe ki basically, sir, do you know why do I stopped you? Sorry, sir. I'm not aware of about that. Ab ye bolenge ki inhone nahi, theek hai? Then you will say that you were over speeding. आप लोग को हमेशा अपने radars open रखने हैं vehicle के, जो भी driver रहेगा, जो भी co-passenger रहेगा उसके अपने वो on रहने चाहिए, radars open रहने चाहिए ताकि इन लोग की speed lock हो जाए. Like this vehicle was moving at 65 miles per hour on city, basically in city. तो in city yeah. जो होता है 10-11 जब हम perform करते हैं, जो speeding का वो है sign है, वो 35 miles per hour है. तो 65 पे तो मैं अब इनसे बोलूंगा कि सर यू आर ओवर स्पीडिंग एंड यू ब्रोक वन सिग्नल एज वेल, ठीक है? तो सर आपने आपकी जो व्हीकल की स्पीड थी वो 65 माइल्स पर आवर थी एंड आपने पीछे जो पिल बॉक्स वाला सिग्नल है वो भी जंप किया है. तो मे आई नो द रीजन सर आप इतने हरी में क्यों थे? पता नहीं सर, मैं ध्यान नहीं दिया होगा, मेरी स्पीड ज्यादा. ओके, so may I can I see your driving license? Sure. Did he got the? Yeah. So agar wo driving license dikhate hain, so well and good hai, and nahi dikhate hain so there is a charge for that also. No, driving a unlicensed weapon, sorry vehicle and wo sab cheeze, theek hai? So you guys can go with the charge as well. It's up to you guys whether you want to fine him or not, if he's talking in a good way, a good manner, and if it's his first time for the infraction, crime or something, you guys can leave him, but it's up to you guys. I am no one to question you agar aap unhe charge kar rahe hain ya kuch bhi kar rahe hain, theek hai? But yes, do remember that you must be having a valid proof for that also. For example, रेडार पे इनकी स्पीड 65 लॉक नहीं हुई है, आप इनका फाइन नहीं काटेंगे. Is that clear? Tenfold, sir. अगर yes. आपने और remember that also कि आप लोग को रिपोर्ट बनानी necessary है. For example, अगर इनकी स्पीड 65 लॉक आपने नहीं किया और आप लोग ने रिपोर्ट बना दी है कि मैंने इनका ओवर स्पीडिंग, थर्ड डिग्री स्पीडिंग या फर्स्ट डिग्री स्पीडिंग का फाइन काटा है एंड ये डीओजे डिपार्टमेंट जाते हैं, ये किसी वकील को हायर करते हैं और वहाँ पे आपकी रिपोर्ट आती है, वहाँ पे एविडेंस सेक्शन में आपका रेडार का फोटो नहीं होता है या आपने क्लिक करके नहीं डाला होता है, तो दैट विल बी कंसिडर एज अ नॉन बोनाफाइड प्रूफ अगेंस्ट हिम एंड आपके ऊपर एक्शंस भी लिए जा सकते हैं. सो डू रिमेम्बर, आप लोग अपने रेडार्स और अपनी स्पीड लॉकिंग सिस्टम्स ऑन रखें ताकि जब भी आप कोई भी 10-11 परफॉर्म कर रहे हो तो पूरा हो भाई. जब भी आप 10-11 परफॉर्म कर रहे हो तो आपके पास वैलिड प्रूफ्स रहे, ठीक है? यस सर. अब जब मान लो कि ही वाज टॉकिंग टू मी इन अ वेरी गुड बिहेवियर, ठीक है,
So I will be like, okay, sir, I can see your driving license. And sir, please drive in a proper manner. This is a city and we have a proper speed limit for a city, like 35 miles per hour. And next time, sir, if I see you overspeeding or breaking any single traffic lights or traffic signals, I will be charging you for the same also. Is that clear, sir? Yes, sir. I'll keep that in okay. mind. Yeah. As soon as the lights are off, you are good to go. Okay. Okay. These will be the same to you. So these will be your calls. And then jab aap wapas vehicle mein baith jaoge, you will be inside your vehicle. 702 to dispatch. The latest 10-11 at Sandy Airfield is now code 4. Resuming back code. Then you will turn off your code 2 and aage jaake simply unko bologe, sir you are good to go. क्या समझ नहीं आया बताओ सब आ गया आ गया सर रेडार ऑन करना भूल ही गया करते थे ठीक है आओ गाड़ी में बैठो वो मैं तुम लोग को मेल पे अच्छे से समझा दूंगा ठीक है ठीक है ठीक है एक बार ही कोई बात नहीं जस्ट गिव मी अ टैग एंड मैं तुम लोग को स्पीड कैसे लॉक करते हैं अभी नहीं अभी मैं थोड़ी सी ये फिजिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करा लेता हूँ फिर मैं वो सब चीजें भी आराम से समझा दूंगा एंड डोंट वरी मैं एक वीडियो भी बना के स्टूडेंट वाले सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा अपने बॉडी कैम और डैश कैम की वीडियोस तो यू गाइस विल बी थैंक यू सो इट विल बी इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड वो बेस्ट रहेगा यस सर सो ये चीजें हमेशा नोटिस करना अब एक एक करके गाड़ी के अंदर जाओगे एंड एक एक करके परफॉर्म करोगे स्टार्टिंग विद एलेक्स यू ठीक है सोनिया मैंने बोला था मेरे को ट्रेनिंग के बीच में कोई मजाक नहीं चाहिए डू रिमेम्बर दैट आई एम नॉट लाइक अदर कैसे सर्फ एक्सेल उधर है क्या इंडिया में दूसर ओके वो जो व्हीकल है वो स्पीड करेगी अभी ठीक है पीछे वाली एंड यू विल स्टॉप हिम एंड जो कॉल्स मैंने दी थी वो आप लोग को दोबारा देनी है ठीक है ओके सर बस रेडियो पे कॉल ही दे देता हूं वो लाइक वैसे भी कार की चाबी वगैरह भी नहीं है और रुक जाओ अच्छा तो मैं दे देता हूं ना कोई यप एक्चुअली गो अहेड दिस इज बफेलो नॉट इवन अ विक्टोरिया हेलो लीजा हाउ इज योर डे गोइंग हेलो हेलो ऑफिसर आप कैसे हो I'm doing good. You remember me? My face, I can't compliment. Nana, I can't compliment you right now. We are on duty. But yeah. I mean, in a professional way, you can. Okay, the traffic stop calls will be getting started. Okay, as soon as you see your vehicle speeding, you will stop. We have been का ASL change करवाया मैं. पहले वाला better था, to be honest. But मैंने तो दोनों ही हटवा दिए. पहले वाला ही better था. एक गंजी लड़की आपको. Damn. थोड़ा सा साइड में खड़े हो जाएं सर आप कैसे सिखा रहे हैं केविन सर पैसे लूंगे हम तो सीखने आए हैं नहीं इनसे बोल रहे हैं इनसे सर आप कैसे सिखा रहे हैं सर आप 10-11 सिखा रहे हैं सर 909 to dispatch performing on 10-11 on a black sedan one occupants additional needed none देखिए देखिए फोटो भेजी हमने आपको अपने सुपीरियर लेंस की You will do the talking on the radio as well, okay? I'll be listening. Tera laga do flashlight. Haan, flashlight laga deta hu, mere badhiya lagega. Aapka naam kya tha vaise? Mera naam Sandeep. Sandeep, and dusra wala? Axel Johnson from... Daniel sahab. Dusra wala ko jaante kya karo? Sir, can I know your name? Bhagwe. Roll down the window and switch off the internet, please. Jao, jao. Lisa, get trained. You have a test. Please show me your driving license. Better than that, I have a charm. Yeah, we can see that though. Well, I can. Hey, hey. Okay, Justin Blake, yeah. So, sir, aapko pata hai maine aapko kyun roka?
speeding, you are going above 35, which is the city speed limit. So, can I know why would you do that? Sir, actually, I am having some issues with my clutch lately. So, I was going to the mechanic shop to repair my car. So, when I release the clutch, my car accelerates very fast. So, I'm not able to control it pretty well. Okay, sir. So, sir, मैं आपको एक वार्निंग देके छोड़ देता हूँ इसके बाद, but next time if I find you, I will definitely charge you for that. Okay? उनकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो. ये आवाज पहले वाली बात में भी कट ऑफ हो गई थी. बट हो नहीं क्या काम. Yep, no issues. Abhi yeah, sir, I will tell him na ki once my light is off, you can go. Yeah, yeah, go ahead, go ahead. You're going 42? Nahi sir, abhi ek baar main perform karna chal gaya. Okay. So, abhi koi ek aur jao, usi same vehicle mein baithna, aur vehicle ko waise lagana and then give the call. On radio. Chabi hai yaar. Chabi hai. Come, okay, game. Ja raha na. Iske baad tu jaiyo. बहुत एक्साइटेड है. इट्स ओके आई विल बी सेटिंग इन. अरे पीछे क्या चल रहा है? वो कफ क्यों कर रहा है? प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं कफ पर. ओके यू कैन परफॉर्म 10 11. उसने बोला कि गाड़ी खराब है तो तेरे को ये वार्निंग देनी चाहिए. दोबारा से बोलो हमारी आवाज कट गई थी. एंड व्हीकल बहुत ज्यादा दूर खड़ी है. ओके ये बोला था एक्चुअली मैकेनिक शॉप पे जा रहा है. परफॉर्मेंस 11 ऑन अ व्हीकल अ रेड सेडान एट जॉर्जिया रोड. नो एडिशनल रिक्वायर. बोला ठीक है बट नेक्स्ट टाइम इसको फिक्स करा लेना. ऐसा बोला था मैंने. चले कुछ आई मिस्ड इट. नेवर माइंड. Sir, put your engine off. Put your engine off. Sir, हमने टेजर क्यों निकाल रखा है सर? वही तो मैंने पूछा. Sir, this is not for your, for not for you, but it's for my own safety, sir. Okay. Alright. Sir, दोबारा बोलो. This is 901 Jet Inferno over here, sir. May I ask you the reason why I pull you over? Sir, आपने रोका है मुझे क्या पता? सर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे. आपने रेड लाइट हो रहा है यार. सर ओवर स्पीडिंग सर मैं वर गोइंग अबव 35 एट 40. सर मैं 30 से ऊपर तो मेरी व्हीकल ही नहीं गई है. नहीं सर. सर आपके पास प्रूफ है? सर आपने ना मेरा रडार है हमारे पास. उस पे ना अगर आप हमारे पे ना केस करते हैं यू हैव राइट टू डू इट. सो इन आवर वी हैव कैप्ट यू इन आवर डैश कैम. इतना कौन बोलता है? वी हैव आवर बॉडी कैम ऑन सो यू कैन सी इट. अच्छा सर बट मैं तो बोल रहा सर मेरी 30 से ऊपर स्पीड ही नहीं. तो सर एनीवे सर फिर अभी क्या करना है सर आप बताओ. मैं सर आप अपना एक बार लाइसेंस दीजिए मेरे को पहले. आप मैं पहले ये गाड़ी चेक कर लूं कि आपकी है नहीं. हां सर ये देखो. ये तुम्हें रेडियो पे कॉल देनी है. ये तुम्हारा काम नहीं है. ये तुम्हारे ड्राइवर का काम है. और ड्राइवर कभी भी उतर के नहीं आएगा. इस चीज का हमेशा याद रखना ठीक है. कभी भी होगा जिसने भी बताया है अगर ऐसा हो तो रिमाइंड हिम कि ये भी जो 10-28 की कॉल होती है वो हमेशा जो बात कर रहा होता है वो बोलता है अपने ड्राइवर को दैट सर कैन यू प्लीज परफॉर्म 28 ऑन दिस व्हीकल. क्यों? क्योंकि उसके नंबर प्लेट्स रीडर में ऑलरेडी नंबर प्लेट्स गिवन होते हैं तो वो डायरेक्टली गाड़ी के अंदर बैठ के MDT एक्सेस करके और वो कर सकता है. ठीक है. इज दैट क्लियर?
क्योंकि आप जब बाहर उतर के आते हो तो टैबलेट आपके हाथ में नहीं रहता है, वो आप अपने गाड़ी में ही रख के आते हो. इतना बड़ा टैबलेट आप कहीं हाथ में तो लेके घूमते नहीं हो ना. टेक्निकली जस्ट इन केस अगर लेके आ भी रहे हो, यू गाइस आर टेकिंग योर टैबलेट विद यू, इट्स नॉट गुड टू टेक आउट योर टैबलेट इन फ्रंट ऑफ सिविलियन और पर्सन यू आर पुलिंग हिम ओवर. Because in scenario में ये भी हो सकता है, आप अपने tablet निकाले, your focus is on your tablet, आप number plate search कर रहे हो, and meanwhile pointed a gun on a or any type of lethal on you, उसमें आपको problem आ सकता है. I mean, so it's preferable आपको driver या co-passenger जो भी है वो lead run करे, and it's a normal procedure also, वो उसकी duty है, वो गाड़ी में बैठे-बैठे क्या ही करे. Exactly. So this is a good thing that you reminded everyone K28 का. But you will never leave the window side of the driver or the passenger, ठीक है? Yes. Side basically. So continue from here after 28. After being sir, but ना आपको मैं एक बार बाबा वार्निंग दे रहा हूँ कि सर अगली बार से आप ओवरस्पीडिंग ना करें, वरना ये जो ऑफेंस है ये फाइनेबल प्लस आपको इसमें ना जेल या कम्युनिटी सर्विस भी हो सकती है. तो सर प्लीज अगली बार देख के चलाइए सर. And sir, this is not for my safety, sir. This is for everyone's safety over here. अब मान के चलो, the person जो गाड़ी में बैठा है, तुमने उसको charges बताए कि overspeeding कर रहे थे सर आप, and sir आपने ना red lights jump करी है 2-3. What if he says sir, sir proof करो मैंने गाड़ी की light मतलब मैंने red lights jump करी है ना, मैं overspeeding कर रहा था. दिन इंतजार नहीं करते हैं case क्या करोगे? Dash cam में proof रहेगा मेरे पास जो मतलब speeding का proof रहेगा. चाबी नहीं है इसकी, ऐसे बैठे रहे. किसकी गाड़ी है? क्यों मस्ती कर रहे हो? वैसी बेचारी नहीं जाना चाह रही. Can I have the key? I want to dispatch going 10:42 for a day. ठीक है. जैसिन सर किधर गए? 42. अरे वो गाड़ी की चाबी लाना, तो अपनी वाली जो गाड़ी है तुम्हारे पास, तुम्हारी दोनों की, वो गाड़ी लेके. क्या हुआ सर? ये गाड़ी आपकी नहीं है. अब ठीक है, मारा गाड़ी को. गाड़ी लानी है. लानी नहीं, लानी है, लानी है. किधर क्या कर रहे भाई तू? पता इतने ऑफिसर्स आलसी हो गए क्या सर? क्या है, हमें तो इतना बड़ा है अपने, ये वहां तक जाने के लिए लिफ्ट ले रहे हैं. अरे वो कॉर्पोरल तक आते आते थोड़ा बुढ़ापा आ जाता है सर के. देख नहीं रहे बाल सफेद हो गए? हेलो, मेरे ना बचपन से बाल सफेद है. हेलो, बुढ़ापा नहीं आया. चाबी लेके आ गए. प्लीज ज़्यादा दूर मत जान. हाँ मैम, स्टार्ट जो भी आपको. किस गाड़ी में करूँ? आगे वाली जो आपको आगे दिख रही है जो. हाँ गुड जॉब कर लो, फिर करना स्टार्ट. मतलब अब जो आपको करना है अब से परफेक्टली जैसे आप 10-11 परफॉर्म करते हैं अब स्टार्ट. बताएं मैम, लाइट्स ऑन करने के लिए जी मशीन ना? क्यों क्यों मशीन क्यों क्यों? ओके जी
And sirens? Alt machine. Alt. And to change the siren prior, then you can use the arm. You can try. Sir, aapka naam? Myself, Daniel Sahab. Daniel, okay. Sir, this is accident. Okay. What is it? अरे मैं है थोड़ा साइड हो जाता क्या कर रहे हाँ यू कैन ट्राई इन दिस वेक्टर प्लीज परफॉर्मिंग अ 911 परफॉर्मिंग अ 911 ऑन अ ब्लैक कार सी यू कैन ट्राई इन दिस टू ऑक्युपेंट्स व्हाट इज द 911 ट्राई हां मतलब जिंदगी में दर्द तो है वो सर कह रहे यू कैन ट्राई इन दिस व्हीकल अरे वो थोड़ा सा सर्दी खांसी है तो अच्छा अच्छा अरे तो आप प्रेस कर लो फिर ना अभी ठीक होऊंगा तो घर पे चला जाऊंगा गेट वेल सून थैंक यू नहीं पता है आपको आपने क्या बोला नो नीड ऑफ एडिशनल इफ यू से नीड अ रिक्वेस्टिंग फॉर एडिशनल 77 में गाड़ी भगाते हैं वो गन पॉइंट भी कर सकते हैं मैम आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो बंदे खेल रहे हैं सामने आप दो बंदे हो आपको लग रहा है कि अब आप अकेले थी आपने बैकअप नहीं बुलाया यू सेड नो नीड ऑफ एडिशनल्स यू केम And you are saying now कि आपको लगा आप आराम से अकेले कर ले अब यहाँ पर आके अगर वहाँ पे गन पॉइंट कर देते तो फिर वो तो फियर दिखाना पड़ता ना वो एक अलग चीज थी वो बात नहीं कर रहा ना तो मैं वही मैम आपको बोल रहा हूँ कि आपको बैकअप बुलाना था जब मैंने आपको बोला कि आपने बैकअप क्यों नहीं बुलाया आपका जवाब क्या था आपको लगा आप खुद अकेले हैंडल कर सकते The thing was I flew away because they didn't call you backup you said no need of additionals तो मैंने गाड़ी भगा दी एंड फर्स्ट थिंग व्हाइल परफॉर्मिंग अ 10-11 ताकि सामने वाले बंदे को पता चले आपको कोर्स भी ऑन करने होते हैं सिर्फ लाइट्स ऑन नहीं करनी साइरेंस भी ऑन करने मैम यो एक्सी ओसा वेलकम टू द शो इतनी दूर ट्रेनिंग ओवर हो तो दूसरे कैरेक्टर से आते हो कि मैंने थोड़ा स्लो करा ताकि आप मुंह से बोल पाए मिलियो तब तो साइरेंस ऑन करोगे तभी तो एक सामने वाले बंदे को एक्नॉलेज होगा कि मेरे पीछे पीड़ी है वो मेरे को पुल ओवर करना चाह रही है एम आई राइट और रॉन्ग शीर्षा प्लस वन सर बता चुका हूँ मैं ये फाइव डाउन है अच्छा तभी इतने कम लोग तो बस वही मैम दो गलती थी एंड थर्ड थिंग जो आप यहाँ पर आके ऐसे बैठी डोंट डू दैट थिंग अगेन इन योर व्हेन अ सीनियर तो सर ये अपने बेचारे को नहीं करिए नहीं नहीं मैं वैसे बोल रहा हूँ मैंने कहा भाई योर सीनियर इज कंडक्टेड कंडक्टिंग अ टेस्ट अब उस सिचुएशन में आपको पता है क्या करना था कुछ नहीं करना था रोना था बैठना था सर कुछ नहीं हो रहा 10-11 इज नाउ कन्वर्टेड टू 10-80 And you have to chase me and call for That's a backup. That's what I do. तुम बुलाती backup मैं तुम्हें pull over करता. ठीक है सर. That thing. ठीक है सर. Shall we start once again? सर किसी और से कर लो पहले. नहीं मैम आपसे continue करा था तो आपसे करेंगे. See देख तू गलत भी करेगी ना. We are here to teach you the thing again. No need to get embarrassed. No need to get demotivated. ऐसा मत सोच. कि हम कुछ चिल्लाएंगे या खा जाएंगे और हम तो पहले शेयर करेंगे गो सोनिया गो आई बिलीव इन यू गॉट इट चलो भाई 10 दिन बोलोगे मैं 10 दिन सिखाने को भाई आई हैव केम टू अ न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्चुअली आज से मैं रैंडमली किसी को भी आके कफ कर दूंगा एंड इफ यू आर अनएबल टू ब्रेक दोस कफ्स यू विल गेट वन स्ट्राइक अरे मेरे चार्ट्स में हेलो सर मैं आपके पीछे खड़ी हो जाऊं पड़ गई आप अरे मैंने हल्का सा वो किया मैंने किया बे ये कौन है अरे खोलना डी निंजा रैंडम कफर्स हां तो फिर अभी ये कौन था अबे क्या कर रहे हो अबे हार्ड कौन करता है भाई अरे कौन सा हार्ड कप वाला पता नहीं जरा अरे मैं कौन कप कर रहा था दो खाने के लिए जाना है तभी बोल रही हूँ करने दो तो बता देते चलो भाई लीजा करके समझ जाओगे लीजा
you have to perform at 10 tumhara time aa gaya main kya mind mein jaunga gaadi mein baith ke aa jayega gaadi aur bhai yahan hamara bhi bas keys aa le lete keys पर मेरी ड्राइविंग बहुत गंदी है उसका क्या हम बैठे हैं यहाँ अच्छा वो ऑलरेडी रुके हुए हैं सो प्लीज पुल ओवर टू योर राइट अरे चलो पीछे ज्यादा तेज ठोक ना दूं भाई लाइट्स ऑन करो क्यू मसल ऑल्ट मसल अच्छा सायरन भी यहीं पे ऑल्ट मसल ऑल्ट मसल यू लो ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है मेरा सो प्लीज पुल ओवर टू योर राइट क्या वो सर पुल ओवर टू योर राइट प्लीज अभी जैसे बोला था वैसे लगाने और आगे जाओ एक सेकंड आगे चलो ये तो ऑफ कर सकते हैं ना सायरन तो अभी This is 908 performing 10-11 on a black and white sedan at route 68. No additionals required. With one occupant. This is Lisa Smith from LSPD. And just to begin with, this taser is for my safety. You do not need to worry about it. So, can I know your name? Me, myself, Kevin Johnson. Good. Okay. Please roll down your windows. Already did. Okay. Well, and are engines off? Yeah, I can think so. लगता तो मुझे ही. Okay. Does this vehicle belong to you? Might be not. Why? So because if it's somebody else's, then it's a problem. This car belongs to the person named Sandeep Ilawa. Officer, please perform a 10-28 on this vehicle. 10-4. तो कुछ इसका कॉल आया तुम्हें तो? हाँ 10-4 बोला उसने चलो आगे बोलो नहीं मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की है कि नहीं है वो भी तो फिर 10-4 दिस व्हीकल बिलोंग्स टू मिस्टर केविन जॉन्स हाँ ओके संदीप इलावत संदीप की है भाई ठीक है ना मैंने ध्यान नहीं दिया यार करो ना कहीं ओके डू यू नो व्हाई आई स्टॉप्ड यू आई गेस आपको मन कर रहा था इससे नहीं सर मुझे मन कर रहा था तो मैं आपको स्टॉप नहीं करूंगी एक्चुअली यू ब्रोक अ ट्रैफिक रूल यू वर स्पीडिंग एंड द सिटी लिमिट्स इज 35 एंड यू वर नियर 60 व्हिच इज अ लॉट कैन आई नो द रीजन सर सर मेरा मैम मेरा बहुत ही दुख भरा रीजन है आपको मेरे राइट में बंदा दिख रहा है हाँ जी मैम इसकी एक टांग नहीं है ठीक है ओके और इसकी तो दूसरी टांग है ना हाँ वो लटकने को हो रही है तो मैं हॉस्पिटल जा रहा अच्छा 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 तो हाँ। क्या आप दिखा सकते हैं अपनी टांग मुझे मैम एक्चुअली वी आर इन रश मेरे को बहुत दर्द हो रहा है आप थोड़ा जल्दी प्रोसीड करें ओके ओके सो सिंस दिस इज योर फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट गोना लीव यू विद अ वर्बल वार्निंग एंड इफ आई सी यू रिपीटिंग इट अगेन यू विल बी चार्ज्ड फॉर दैट टाइम एंड दिस टाइम टू जल्दी करें थोड़ा जल्दी करें Yes, 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 कोई इमरजेंसी केस था हम क्या करें पिल बॉक्स पे कोई अवेलेबल नहीं था तो ईएमएस आ नहीं पाई तो हमें तो ओवर स्पीड करना ही पड़ेगा ना एक जान बचाने के लिए ओके ओके यू कैन गो यू कैन गो ओके व्हेन अ इमरजेंसी सिचुएशन कम्स अप लाइक कोई मेडिकल इमरजेंसी है ना सो यू विल स्टॉप ओवर देयर एंड से ओके देन आई विल एस्कॉर्ट यू टिल द पिल बॉक्स ओके तुम उसे एस्कॉर्ट कर दोगे अपने साइरेंस के साथ बिकॉज़ ही हैज इमरजेंसी राइट देन मान के चलो मैंने उसे बोला ठीक है अब तुम पिल बॉक्स तक लेके जा उसे ड्रॉप कर दो कोई दिक्कत नहीं ओके यू डोंट हैव टू से कि मैं फाइन कर दूं चार्ज कर दूं ओके इट्स गॉट इट दैट्स ऑल या लाइक मैं चलो वापस कंटिन्यू करता हूं वेयर तुमने मेरे से पूछा था कि आप इतने रश में जा रहे थे राइट यस यस हां
तो मैम मैं रश में इसलिए जा रहा बिकॉज़ ये गाड़ी दिख रही है आपको आपकी जिसमें है आप हाँ जिसमें बैठा हूँ हाँ जी हाँ जी बिल्कुल मैम बिल्कुल अभी 10 मिनट पहले मैं बिल्कुल शोरूम से नहीं लेके आया ठीक है ठीक है तो मैम गाड़ी जब मैं चेक कर रहा था ना तो मतलब स्पीड और ब्रेक दोनों चेक कर रहा हूँ मैं इसकी कि कैसी है तो दैट्स व्हाई मैं ओवर स्पीड कर रहा हूँ So, sir, in that case, आप प्लीज सिटी से थोड़ा बाहर जाके हाईवेज पे चेक करें ऐसी सेफ लोकेशन पे जो टेस्ट ड्राइव वाले एरियाज होते हैं बिकॉज़ इट्स नॉट सेफ फॉर यू और द सिविलियंस मैम वो मैम मेरी मर्जी ना अब आपको सेफ नहीं लग रहा तो मैं क्या करूँ उसमें सर आपकी मर्जी देखो अभी तक मैंने किसी को ठोका आपकी मर्जी नहीं है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक लिमिट में चलाएं आपकी शक्ल देख के ना आपकी शक्ल देख के मुझे उल्टी आ रही पहली बार सो आई एम नॉट कंफर्टेबल टू टॉक विद यू राइट नाउ कैन यू प्लीज कॉल पहली बात तो मैं आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर रही हूँ तो आप भी यहाँ पे कोऑपरेट करें बिकॉज यू आर टॉकिंग टू अ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड यू कैन बी चार्ज फॉर एवरीथिंग रॉन्ग यू डू एंड हाउ यू बिहेव डिपेंड्स ऑन हाउ आई एम गोइंग टू चार्ज यू आई एम कंफर्टेबल टू टॉक विद यू राइट नाउ कैन यू कॉल समवन एल्स राइट नाउ नो यू कैन नॉट बात करने का व्हाई मैम इट्स माय राइट टू कॉल समवन एल्स नो दैट्स नो राइट कि यू डोंट लाइक समबडी शक्ल तो यू नीड समवन एल्स दैट्स नो राइट इन एनी लॉ आई एम नॉट इवन कंफर्टेबल मैं कुछ सिर्फ शक्ल से नहीं मैं आपकी शक्ल देख के कंफर्टेबल नहीं हूं मैं नो द रीजन शक्ल दैट्स नॉट अ रीजन सर आई एम सॉरी आई एम गोना डिनाई दैट दैट्स अ पर्टिकुलर रीजन मैम लाइक आफ्टर सीइंग योर फेस इट्स ओके सर अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं ऑफिसर्स अगर इसके कोई लॉ प्रोविजंस हैं तो आप उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं दैट यू डोंट लाइक द शकल ऑफ द ऑफिसर्स दैट्स टोटली योर थिंग नॉट ऑफ द ऑफिसर्स मैम पर्टिकुलरली योर यस यस माइन माइन श्योर यू कैन फाइल अ केस दैट्स कूल बट नाउ यू हैव टू कोऑपरेट विद व्हाटएवर इट इज ओके मैम मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा कोई दिक्कत नहीं है और कुछ That's it for now because it's your first time here. I'm just gonna leave you with a verbal warning. But next time, if you do it, I'm gonna charge you with this one and the new one together. Okay, ma'am. Okay, you can leave since the siren or. Siren? Ma'am, siren to off hi hai waise. Sorry, lights. Anything else, Lisa? हाँ वो वाली कॉल ना Lisa एक गलती बताता हूँ तुमने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पूछा मेरे से Oh yeah Shit वो वापस करने चलो आ जाओ हाँ मैम आप कुछ कह रही थी Do you have a driving license? मैम मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है but मैंने ड्राइविंग लाइसेंस ना आपसे 5 साल पहले बनवाया था ठीक है अच्छा बट वो मैंने रिन्यू नहीं कराया अभी तक अच्छा तो मेरे पास जेब में भी नहीं है 5 साल पहले आप माइनर थे नहीं तो फिर आपका चल ही रहा होगा ना उसमें क्या रिन्यू करना नहीं मैम मैं बताता हूँ सो बीच में ना मैंने ना ऐसा एक्सीडेंट कर दिया था जिसमें प्रॉब्लम हो गया था तो मेरे को रिवोक हो गया था मेरा लाइसेंस तो यू नीड टू गेट इट रिन्यूड बिकॉज़ इसका भी फिर आपको फाइन लगेगा अच्छा तो मैम मैं वापस बनवा लूंगा और अभी जाऊं मैं क्या ओके अभी आप जा सकते हैं आई रिमेंबर योर नेम नेक्स्ट टाइम आई सी यू आई एम गोना चेक योर लाइसेंस एंड यू विल बी चार्ज्ड ट्वाइस मैम आपको रिमेंबर रखना ही पड़ेगा वैसे भी मैम हां जी ऑफ कोर्स या शकल हेटर 9000 मैम आई एम नॉट अ शकल हेटर बस अब सबके अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं हां ठीक है इफ यू हैव अ बैड वन तो इसमें क्या कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आपके लिए बैड वन है तो चलो मैं तुम्हें एक गलती बताता हूं हां ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो यू हैव टू ओके से दैट पर्सन टू गेट आउट ऑफ द व्हीकल ही कैन नॉट ड्राइव इट इफ यू डोंट ओन अ लाइसेंस ओके देन ही कैन नॉट ड्राइव सो इन दैट सिनेरियो पूछो बोल सकती हो कि गाड़ी डिपो हो जाएगी और rather okay. we can do a thing is तो उसके बाजू में co-passenger अगर उसके पास drive उसके पास driving license है वो vehicle चला ले okay we also don't possess a weapon your driving license then if you're very cooperative if the person is very cooperative ठीक है and you want which to give him not, a particular yeah. chance तो उसपे करेंगे फिर charge if you want to now you don't have to charge that person गाड़ी से उतारो उस गाड़ी को depo कर दो ठीक है
पर ये इसमें सर की गलती है, उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने बताया चार्ज करना अगर लाइसेंस नहीं हुआ तो। हाँ लाइसेंस नहीं हुआ तो उसको चार्ज भी करना, तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस जो तो चार्ज करें ठीक है, चलाने भी नहीं देना है। केस अगर तुम जैसे अब ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस का तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जैसे तुमने गाड़ी डिपो कर दिया, एवरीथिंग इज कोऑपरेटिव, बट जैसे मैंने तुम्हें बोला कि द पर्सन इज कोऑपरेटिव इनफ, तो देयर कैन बी टू सिनेरियोस, ईदर द को पैसेंजर कैन ड्राइव इफ यू डू आल्सो डोंट पजेस द ड्राइविंग लाइसेंस, इफ यू थिंक ही इज मच कोऑपरेटिव एंड यू हैव टाइम एट दैट मोमेंट। जैसे बोले एक बंदे को कॉल लगाए, उसके कोई भी फ्रेंड को आसपास होगा, यू आर गिविंग हिम 2 टू 3 मिनट्स, इफ अ पर्सन विद अ ड्राइविंग लाइसेंस केम ओवर हियर ही कैन ड्राइव द व्हीकल एंड टेक यू गाइस फ्रॉम हियर, और एल्स यू हैव टू डिपो द व्हीकल। अब जैसे वो कोऑपरेटिव था तो फर्स्ट टाइम उसे बस डिपो करके एक चांस दे दो कि नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखें ड्राइविंग लाइसेंस ऑन कर ले, तो वो सेकंड टाइम भी नहीं रखता तो उसको तुम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो चार्ज करोगे व्हीकल भी डिपो करोगे ठीक है। और वैसे व्हीकल डिपो होती कैसे? जस्ट कॉल द डिपो, आप गाड़ी से उतरोगे उसे एक पहले नोटपैड पे लिख लोगे नंबर वगैरह, फिर एविडेंस ले लोगे गाड़ी का, एक फोटो ले लोगे नंबर प्लेट की आगे की और पीछे की, उसके बाद उस कॉल कॉल टू वाले को कॉल करोगे एंड थिंक अबाउट स्लाइड, ओके बस हो गया। नहीं आपको देखिए मुझे इतना घूम फिर के नहीं बता रहा, यू जस्ट हैव टू से थिंक अबाउट स्लाइड डिपो, अरे वो मैं समझ गई, बट मैं कह रही वो मैं समझ गई वो वाला सीन आपको लेना ही है। हां जनरली लाइक प्राइस नहीं डालना, उधर की डालना है प्राइस, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू गाइस, मान के चलो वैसे तो जैसे आप ट्रैफिक स्टॉप पे डिपो कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू पर्टिकुलरली चार्ज अ पर्सन, इट विल बी बाय डिफॉल्ट गेट फॉर द $1000 लेगा डिपो वाला उनसे, बट व्हेन यू से द डिपो गाइस दैट यू हैव टू टेक मच मोर चार्ज देन ओनली ही विल टेक इट। अब देयर आर सम सिनेरियोस जिसमें तुम लोग फाइन लगाते हो ठीक है ज्यादा, लाइक व्हेन इट्स यूज्ड इन अ शूट आउट, कोड रेड, बैंक रॉबरी और समथिंग, बाय बैंक रॉबरी में बट उस पे एफआईआर नहीं लिखाई थी तो उसमें तुम ज्यादा कर सकते हो, लाइक अपॉन योर कमांडिंग, द कमांडिंग ऑफ द सिचुएशन सेज that depo this vehicle in this xyz amount, usme tum amounts lagao, got it? Yeah. And yes, maximum limit for the depo amount is 9999, like 9999. Got it, got it. Ha, that's all for your traffic stop. Theek hai. Sometimes we have to spoon feed the person in front of us, do you know why? Why? Because situation अलग अलग होती है। Yeah, just like this, इसमें मैंने आपकी शक्ल पसंद की। Yeah, जैसे मतलब थोड़े बदतमीज लोग हो जाते हैं। हाँ, मैंने full depict करने की कोशिश करी, मेरे से हो नहीं रहा था, but नहीं आप बहुत natural लगे मुझे। मैं acting अच्छी कर लेता हूँ। मुझे ऐसे लगा कि ऐसे आपके अंदर की भावनाएं बाहर आ रही है, और आपको मौका मिला है। नहीं, मैं like I try to make the situation as real as possible. Haan, kyunki log to badtameez hote hain. It seemed very real. Yeah. Thank you. Mm-hmm. We acting. Abhi isme jo aapne muh banaya tha na ki jaise aap kar hi denge ulti ho. Spot on. Are wo itni zyada wo le chuka na. Aap galat profession mein, aapko pata hai, aap Oscar la sakte ho. Are main training test leta rehta hu na, to bas wahi scene hai. Mujhko aadat ho gayi hai waise. गलत प्रोफेशन में नहीं हूँ मैम, अगर मैं गलत प्रोफेशन में तो शायद डिपार्टमेंट नहीं चल रहा होगा। नहीं, but I think as an actor you'd be better. Nah, I am officer is much better. What do you think so, Mr. Shesha? As the actor, in which role? इनकी बदतमीजी वाली acting कुछ ज़्यादा natural नहीं थी। हाँ तो है ही acting. सर आपको कैसी लगी, क्या नाम है इनका, संदीप सर, मेरी एक्टिंग कैसी थी? उनके टांग नहीं है, वो बाहर नहीं आ सकते। वो इग्नोर करना प्रेफर कर रहे हैं आप। एनीवेज वी आर डन फॉर द ट्रेनिंग टुडे। ओके सर, मैं एक बार टिक कर देता हूँ। ठीक है, रैंडमली वेट, मैं पूछता रहूंगा। हाँ जी आओ। इंट्रोडक्शन हो गया तुम्हारा? इंट्रोडक्शन हो गया। हाँ, नाम क्या? एक्सेल जॉन्स। एक्सेल शीट।
And now you guys can carry on with your hee hee ha ha. अरे नहीं सर वो ना देखो उसकी एक ट्रिक होती है इफ यू डू इट इन अ सटल वे कोई माइंड नहीं करता हां जैसे नोटिसेबल ना पता चल जाती सोनिया का अभी के लिए मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन करा 10 11 नहीं हां ठीक है सटल वो डिस्पैच फ्रीक्वेंट कॉल्स वाला भी डाल दो डिस्पैच फ्रीक्वेंट कॉल्स तो देख इनका वो 80 वाला अलग है फिर फ्रीक्वेंट कॉल्स जो है वो अलग है ठीक है छोड़ दो वो इनका जो फ्लुएंट कॉल्स वाला है वो इनको लास्ट डे पे मिलेगा जब ये लोग थोड़ा ऑन ड्यूटी दिखेंगे देन ये रेडियस पे कॉल्स देंगे तो डायरेक्टली तुम अपने आप टिक कर देना उसको बराबर ठीक है वो एज सच बस तुम्हें बताने की फ्लुएंट एक बार जितना भी रेडियो ट्रैफिक की जितनी भी वो होती है एक बार समझा देना बस दीप सर फंसे फंसे से क्यों लग रहे हैं ठीक है ये हां ये थोड़ी-थोड़ी देर में हिल क्यों रहे हैं उनको समझा दो कि रेडियो पे कैसे कैसे कॉल देते हैं एंड कब कब नहीं देनी चाहिए एंड ओवरलैप्स नहीं करना बस ये चीजें बता दी है सब पता बस और फिर फ्लुएंट जो है हमारा जो फ्लुएंट कॉल्स वाला है इट विल बी टेक डाउन द लास्ट डे ऑफ ट्रेनिंग ओके कितने दिन की होगी अप्रॉक्स दो मिनट व्हाट्स द डेट सॉरी क्या पूछ रहे थे व्हाट्स द डेट 12/5 को आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी ना आज 18th है 6 दिन तो है रुक जाओ यार मतलब कितना टाइम लग जाता होगा ऑन एन एवरेज सी देखो जैसे हम मान के चलो ट्रेनिंग तो थोड़ा देखो तुम लोगों की ना हम लंबी खींचेंगे इन द सेंस सेशंस लंबे रखेंगे अब फॉर एग्जांपल योर ट्रेनिंग गेटिंग योर ट्रेनिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ठीक है एंड यू कंप्लीटेड योर ट्रेनिंग इन द फर्स्ट 6 टू 7 डेज हां ओके देयर विल बी अ डेज व्हेन वी विल स्टार्ट योर टेकिंग योर प्रमोशन टेस्ट उस दिन तुम्हारा वैसे तो लास्ट डे होगा बट अगर तुमने जल्दी खत्म कर लेते हो अपनी ट्रेनिंग्स तो हम थोड़ा जल्दी ले सकते हैं यार देखो मैं एक चीज बताता हूँ मैं तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म करने को 3 दिन में ट्रेनिंग वैसे तो 15 दिन करेंगे ठीक है 15 दिन मैक्सिमम ट्रेनिंग्स रखेंगे बहुत अच्छे से सिखा के 3 दिन में खत्म कर दूं मैं ट्रेनिंग लेकिन उस चीज का मतलब क्या रहेगा ट्रू यू विल नॉट गेट टू नो द डिपार्टमेंट भाई ऐसे ही हगते रहेंगे हम जब रिसर्व रेटिफिकेशन करके फायदा नहीं 15 डेज तुम्हारा होगा ठीक है 15th डे में 14th डे पे एक अनाउंसमेंट डाल दूंगा दैट XYZ will be the last date for your trainings and after that your promotion test or your solo cadet exam test will be starting to wahi hoga aur to maan ke chalo ye log tum logo pe nahi hoga wo jo main announcement dalunga ye kis pe hoga tumhare FTAs aur FTOs pe it's their duty complete your training in that particular 15 days maan ke chalo लोड तो होगा उन पे अब मान के चलो तुम लोग आते ही नहीं हो तो वो लोड उनका तो होगा ही होगा तुम्हारे ऊपर एक्स 3 करके डालूंगा ओके तो सबसे ऊपर अभी कौन चल रहा है आप ही लोग मतलब मतलब ट्रेनिंग पेस में पहली बार ट्रेनिंग दे रहे हैं हम दोनों सही बोलूं तो मैं और मतलब और लोग दे चुके हैं अरे रेमंड मिलर सबसे ज्यादा ट्रेनिंग देते लाइक ही इज मच मोर एक्टिव देन मी बिकॉज़ He's not my much favorite sorry. एक कोसे में तीन इसको सर आप इसको फिस्ट फाइट के लिए रखना वही वो क्या बोलते हैं केविन सर के सबसे फेवरेट ऑफिसर हैं ऑफिसर फर्स्ट क्लास है रेमंड मिलर तो वो आजकल थोड़ा सा ज्यादा मिलर खानदान का काफी बोलबाला है क्यों मिलर खानदान का ऐसा क्या बोलबाला है चीफ का नाम भी तो यही है ना शायद फ्रैंक मिलर चीफ तो कोई है ही नहीं हमारे कैप्टन है वो चीफ नहीं अच्छा वही जो फर्स्ट डे नहीं सेकंड डे आए थे हाँ वो फ्रैंक मिलर लाइक उनको थोड़ा मेडिकल कंडीशन खराब है तो वो अभी येलो पे लंबे येलो पे है वो आप लोग भी अपने फ्यूचर में जाके ऐसे कहेंगे मेरे एफटीओ केविन सर थे मेरे एफटीओ शेषा सर थे आप मर जाएंगे तब तक नहीं नहीं जब हम लोग रिटायर हो जाएंगे अच्छा हाँ आप लोग भी कभी ट्रेनिंग देंगे हमारी जगह खड़े होके किसी को है ना शायद
मैं भी ये बदतमीजी वाली टेक्निक यूज करूंगी। ये पहले दो लोग हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि व्हाट विल बी देयर फ्यूचर, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बात करो आप, सर अपने फ्यूचर की टेंशन करो आप। मैं बताता हूँ, मैं जब भी किसी कैडेट को ट्रेन करता हूँ ना, मेरे को पता चल जाता है वो कितनी जल्दी मैं उसे सिखा दूंगा, वो दो अगले दो महीने में कौन सी रैंक पर होगा। बट तुम दोनों को ट्रेन करने का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे सर मैं बहुत तेज हूँ पता है, मैं पैदा होते चलने लगी थी। वाह ऐसे टैलेंट तो है ना, मैं बहुत तेज हूँ, पास ही रहना चाहिए। यस यस ऐसे करो भागना वहां से, मार याद आते हैं मेरे को। लीजा तुम्हारा तो मैं तुम्हें नहीं बोलता, ये मेरे को सोनिया का बड़ा ढीला ढीला लगता है, मतलब थोड़ा सा। अरे अरे अच्छा देन फिर मेरे को जाना पड़ेगा, मैं आता हूं। 808 am I supposed okay. to be in training with you? What's your name? Theo Vaughn. Who is your FT or FT? Check this, Justin and Raymond Miller, right? Sir, pata hai by the way, we are done with the training. Like if some when it's available, like if you're FT, you can tag along with them. If you're maybe वैसे 42 ही जा रही थी। देखो सर मेरा तो जाने का टाइम हो गया, लेट हो गया। सीन कुछ ऐसा है कि मेरी ना थोड़ी सी ना याददाश्त का इशू है तो मेरे को भूल जाता। अरे कोई ना, इनसे 10-11 परफॉर्म कराते हैं, आ जाए इनका बच्चा, फिर जाना लीजिए तुम। मेरी जान जोड़ दे। हम भी बदतमीजी करेंगे, मेरे से बहुत बदतमीजी की केविन सर। मैं मैसेज मैम फर्स्टली सी 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 ट्राई टू काम योर नर्व्स डाउन, यू नो व्हाई। पड़ गया वो तो गाड़ी बढ़ते साथ पड़ गया, पता है क्यों? आपको जो लैंग्वेज आपको सर ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज्यादा। डोंट बी अब्यूसिव नेक्स्ट टाइम। आओ बैठो गाड़ी में, लीजा उसके साथ। मैं हां मैं कीज दे दूं। अच्छा है तुम्हारे पास? ओके परफॉर्म गेट पे चलते हैं। कंटेनर लेवल तो तुम मेरे साथ बैठी, तुम्हें करना पड़ेगा। ये से डोंट ट्रिप पर आओ लेंगे। ही ओ कैन यू पुल ओवर टू योर राइट सर, तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं मेरा हो गया। अच्छा नहीं तुम बैठी हो ना साथ? अरे तो मैं सीट चेंज कर लूंगी, मेरा तो हो गया ना। अच्छा अच्छा this is 91 performing at 10-11 on a black color car with two occupants. Additionals needed? I guess. क्यों? हम भी तो ही हैं। नहीं ऐड ऐसे ही। तुम्हारा हो गया ना? वाह। चल हाँ तुम ड्राइवर बन जाओ। चलो 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 सही है। Hello sir, this is officer Sonia. Can you turn off your engine? मेरे हिसाब से तो इंजन ऑफ है लेकिन ठीक है, कर लेता हूं। मैं सुनाई दे रहा था बोलो। शीशा ऑलरेडी नीचे है, ठीक है। सर डू यू नो व्हाई आई स्टॉप यू? आपको शायद मन कर रहा होगा। नहीं सर, आई स्टॉप यू बिकॉज़ यू वर ओवर स्पीडिंग एंड आई कुड एक बंदा चला रहा होगा पीडी गाड़ी में, 10 बंदे बैठे होंगे डिग्गी में, दो होंगे फिर भी सोनिया विल बी लाइक एडिशनल नीडेड बैकअप बैकअप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दे। सेफ्टी सर नहीं सर करो, ये जान छोड़ो मेरे को, जाना मेरे को नहीं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। बोलो आ जाओ। अच्छा वहीं से वहीं से ओके 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 मैं बाहर आने तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर आने तो आ जाओ। यस यस आ जाओ आ जाओ सब, बोलो बोलो। ओके दिस इज ऑफिसर सोनिया, आई एम स्टॉपिंग यू। फिर भूल गई। सी आई विल हेल्प यू आउट। सी मैं भूल जाता। बहुत इजी तरीका है, देख व्हेन यू कम अप्रोचेस अ पर्सन ना, जब तुम एक दरवाजे के पास आते हो, कोशिश करो अपने इंट्रोडक्शन दो, लाइक माय सेल्फ सोनिया सेनको फ्रॉम एलएसपीडी, कि आपको पता है मैंने आपको पुल ओवर करा है, क्यों करा है। अगर वो बताता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मान के चलो मैंने बता दिया तो मैं क्या, फिर जैसे मैंने बोला कि मैं ओवर स्पीडिंग कर रहा था, तो आप उनसे रीजन पूछ लो, आपको जब पता है तो क्यों। अब अगर वो नहीं बताता तो उसको रीजन बता दो। रीजन बताने के बाद जैसे वो आपने बोला कि रेड लाइट तोड़ी है और उसके बाद उसने
ओवरस्पीडिंग कर रहा था तो उससे रीजन पूछो व्हाई वर यू डूइंग दैट, ठीक है? और ये सब करने के बाद उससे पूछो क्या सर ये गाड़ी आपकी है, ये गाड़ी उसकी है तो मतलब ठीक है, बोलते कि सर मेरी नहीं है या फिर मेरे बाजू वाले की है, मेरी है और नाम बताता है। अब मान के चलो कि उसके बाजू में बंदा जो बैठा है उसकी गाड़ी है तो ठीक है, बट वो गाड़ी का नाम बताता है वो सोनिया फारूक की है, हम दोनों में से तीनों में से कोई भी सोनिया फारूक नहीं है। सही है सर। ठीक है, तो वो गाड़ी का ओनर नहीं है वो, तो तुम उसे गाड़ी से उतरवा दो क्योंकि गाड़ी का ओनर नहीं हो आप, देयर हैव टू डिपो इन दैट केस। अब मान के चलो ये सिनेरियो उसका, तुम गाड़ी वो बोलता है कि दिस कार बिलोंग्स टू केविन जॉन्स, तो तुम एक रेडियो पे कॉल दो। अगर गाड़ी रेंटल्स की है, रुक तो जाओ बोल लूं मैं फिर अच्छे से सारे सिनेरियोस बता। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट सिनेरियो इज द पर्सन सेज वो उसकी खुद की गाड़ी है, मायसेल्फ केविन जॉन्सन की गाड़ी है, तो तुम एक रेडियो पे कॉल दोगे टू परफॉर्म 28 ऑन दिस व्हीकल, ठीक है? इन अ मीनवाइल वो बताएगा हाँ ये केविन जॉन्सन की गाड़ी है। उसके बाद उससे पूछोगे सर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस के बाद नहीं है उसके पास और है उसके पास, दो सिनेरियोस हो सकते हैं, राइट? इफ यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस देन वेल एंड गुड, एंड द पर्सन इज कोऑपरेटिंग विद यू देन फर्स्ट टाइम है कोऑपरेट कर रहा है तो उससे जाने दो अकॉर्डिंग के साथ। अगर उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो देन क्या, राइट? तो उसे बोलोगे सर गाड़ी से बाहर आ जाओ, गाड़ी से बाहर आने के बाद सर बकचोदी मत करो, यू डोंट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस आफ्टर दिस व्हीकल, ऐसा नहीं बोल सकते। एज पर हिज कोऑपरेटिव यू कैन गिव हिम वन चांस कि अगर आपके को पैसेंजर के पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो ड्राइव कर लेगा, अगर उसके पास भी नहीं है तो यू कैन आल्सो गिव अ चांस इफ यू थिंक, आप दे सकते हो कि एक उसके फ्रेंड को कॉल कर ले, उसको आप 2-3 मिनट का टाइम दो कि सर आपको मैं 5 मिनट का मैक्सिमम टाइम देती हूँ, अगर आपका फ्रेंड आ गया तो ठीक है, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो आपको कैरी आउट करना है, अदर देन दैट मेरे को गाड़ी डिपो करनी पड़ेगी, समझी? ठीक है, अगर नहीं होगा तो मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस में डिपो ही होता है, बट वो कोऑपरेट कर रहा है तो तुम ऐसे तरीके कर सकती हो। अब द सिनेरियो वेयर यू सेड इट्स अ रेंटल व्हीकल, राइट? रेंटल व्हीकल है तो रेंटल व्हीकल वाले रिसिप्ट देते हैं, उसे बोले रिसिप्ट शो कर दे तो, और रिसिप्ट नहीं है उसके पास, वो बोलता है खो गई या फिर मेरे पास नहीं है, उन्होंने नहीं दी, तो इन दैट केस तुम्हें गाड़ी डिपो करनी है व्हाटएवर द रीजन इज। सर एक काम करो, गाड़ी की तरफ देखो और झुक जाओ, ड्राइविंग बोनट के आगे GTA का, ठीक है? रंग लगा दे रहे मोहे अंग लगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वैसे तो चार लगता है ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस का, बट ही इज कोऑपरेटिव, फर्स्ट टाइम में तुम इसे वार्निंग देके छोड़ दो, सेकंड टाइम में उसका फिर से ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसे चार्ज भी डालो, डिपो भी डालना गाड़ी को, ठीक है? एनी अदर सिनेरियो यू आर नॉट श्योर अबाउट? नहीं, ठीक है सर। फॉर एग्जांपल द पर्सन इफ ही सेज कि मेरे को प्रूफ दिखा, तो एज पर ही सेड आप उसे बोलना सर यू नो द राइट पर्सन दैट हैव टू सी द कार जैकिंग बॉडी कैम डैश कुछ रिकॉर्ड हुआ है, और क्या हो सकता है इफ ही इज नॉट कोऑपरेटिंग एंड ही वांट्स टू से कि अगर उसे किसी और ऑफिसर से बात करनी है, in that scenario तुम कहोगे नहीं सर it's just a pull over, that's मैं आपसे बात कर लेते हूं, it's just a 2-3 minutes of talk, और वो नहीं करता है तो अपने सीनियर उसको बुला लो, वो बात कर ले, ठीक है? और कुछ उसके बाद तुम लोग इसे गाड़ी में से बोलोगे कि सर जैसे ही मेरी लाइट्स ऑफ होती है गाड़ी की आप उसके जा सकते हो, पहली चीज नागिन निकाली, समझिए? अब इतना तो इजी है सर, आता है, बोला भूल जाता, बोला तो भूलना क्यों है, बोले क्या करे, तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, वैसे मैं कुछ नहीं कह रहा अभी, आई एम नॉट टेकिंग अ टेस्ट, ट्राई नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। और ये तुम गाड़ी के आगे ऐसे क्यों खड़ी हो, इधर से आप भाग ना जाओ, वो तो मुझे पता है ना ट्रेनिंग है, ये भी सही है सर, आ जाओ, पांच लोग आ जाएंगे गेस्ट में, नहीं तुम डिग्गी में बैठोगे ना, मैं बैठूंगी, नहीं मैं बैठ जाऊं, नहीं सर बताओ तो एलिस और आप हैं मैम, इफ यू थिंक तो मेरे को ना आप किसी बाबू शॉप पे बता दो, मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा, फिर मैं वहीं से 42 चल जाऊंगी, गाड़ी खड़ी थी वैसे पीछे, मे बी कलर की वजह से उल्टी आ रही है,
तो बताओ सर क्या कह रहे थे? एक सेकंड। हे राइडर सर, वेलकम टू द शो। तू डिगी से इधर। हेलो। हाँ। हेलो, योर बट इज ऑन माय फेस। सब ये बोलते हैं। व्हाट? हाँ तो बार्बर शॉप सिटी में वहीं चलते हैं। मैं उसका 42 जा रहा हूँ। मैं भी। सभी जा रहे हैं। आज मैं बार्बर वाले के साथ ही सो जाऊंगी। ओह, दैट साउंड्स वेरी रॉन्ग। ओके। आंटी है। हेलो। अच्छा। ठीक है। अंकल वो ची भाई। अरे क्या ची चलेगी ना बार्बर वाली भाई। अरे केविन सर बताओ तो। बोले बोले। बताओ ना। क्या बताऊँ? है। तो मैं ऐसा क्यों लगा लेकिन? सर थोड़ा सर पता लग जाता है, समझोगे इल्हाम होता है अपने को। क्या होता है? मुझे लगता है सोनिया गॉसिप सूंघ लेती है। काम की चीज़ याद नहीं रहती उसको। नहीं मैं देख रहा हूँ काम की चीज़ याद नहीं रहती। नहीं एक फेवरेटिज्म होता है ना वो। देखो नहीं ये है, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल नहीं लग रहा केविन सर आपको कि ये पीछे वाले बंदे की ऐस मेरे मुंह पे? अभी मैम वो डिकी में बैठा है, आपकी मुंह पे कैसे ऐस है उसको वो जानना है। नहीं उसकी तो निकल रही है दो सीट के बीच से, वो जो हेडरेस्ट है उसके बीच से बाहर आ रही है। ज्यादा बड़ी शायद हाथ मारो वो अपने आप वापस भाग कर लेगा। तो वो ज्यादा अनप्रोफेशनल हो जाएगा। वो अपना अपने अंदर अंदर रख रहे हो तुम लोग तो मेरे को क्या दिक्कत है। जैसे आप बड़ी मोहब्बत से उनको देखते हैं। सर जल्दी जल्दी ढूंढो ठीक है, फिर उनसे शादी करो और मेरे को फ्री का खाना दो। तुम्हें लेकिन मेरी शादी की बढ़िया है जब से आई है ना, ये पहले दिन से जब से मिली है पता नहीं इसको मेरी शादी की बहुत ज्यादा जल्दी है। मैं को जानना है क्यों? क्योंकि शायद आपकी उम्र हो गई है। हाँ मेरे तो ये क्यों पड़ी है लेकिन पीछे बस मैं शादी कराने वाली बंदी हूँ, हर किसी की शादी। मैं लीसा की भी करवाएगी अपने साथ। ये जबरदस्ती हो गई। मैंने इसमें जा सकते हैं? मुझे नहीं लगता जा सकते हैं। जा सकते हैं, जा सकते हैं, और जा सकते हैं। सिटी में बार-बार जॉब पे तो काम तो करेगी ना। मैं ही कभी कभी नहीं भी करती भाई, जो हो जाए। धरने में बैठे होते हैं। अच्छा खुली है क्या? केविन जॉनसन अपना स्टाइल चेंज कर लेगा। ओ करो सर, फिर वो लड़कियां पटेगी। लड़कियां क्यों पटानी है? ड्यूटी है मेरी, मैं वो करूंगा। सर आंटियां पटाओगे? हैं अच्छा नहीं ओके। अरे पटाना ही क्यों है ये बोल रहा हूँ। सर अपनी एज देखो। नहीं देख रही ना। अरे सर शादी करो भाई, सेट जिंदगी जियो। अरे तो एक काम करो ना, कोई पीढ़ी की ढूंढ लो। हाँ क्या पीढ़ी की ढूंढ लो? चलो नहीं जरूरत नहीं है। सर ट्राई तो करके देखो। मैं अपनी ड्यूटी पे ज्यादा ध्यान दूंगा अभी। कैसे? अरे ड्यूटी के साथ साथ वो भी होगी ना मैम। ड्यूटी अपनी जगह होती, ड्यूटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा ना। ये गुलू गुलू डिपार्टमेंट के अंदर मैम। सर आपने तो बोला था कि एमिली तो नहीं, ठीक है चलो उसको साइड पे कर दो। तो पीछे रहेगी एलिस एंड लीसा। नहीं इनको मेरी शक्ल नहीं पसंद। अपने आप को कंसीडर क्यों नहीं कर? तो चलो लीसा नहीं ठीक है, तो एलिस रहेगी पीछे। तुमने अपने आप को कंसीडर क्यों नहीं करा? बस मुझे कौन ही मुंह लगाएगा, तो इसलिए एलिस। ना ना जिन्हें दिल से लगाया जाता है उन्हें मुंह नहीं लगाया जाता। उफ उफ वाह, लूज मोशन है। किसी को अच्छा लग जाए वो छोड़ो, एक गंदा सा कलर तो छोड़ो, तुम्हारा हेयरस्टाइल ही गंदा है सच बोलूं तो। गंदा क्या, बहुत ही ज्यादा आंटी लग रही। तो आजकल सबको मेरे वाले कलर मत करियो, मैं मार डालूंगी, मुझे बहुत बुरे लगते हैं सेम कलर। अरे नहीं कर रही माता, हेयरस्टाइल देखो कितना प्यारा कलर है। और हेयरस्टाइल ठीक है, याद रखूंगी। नंबर 104 स्लॉट पे है ये इनकी बुकलेट में। अब और देखते हैं इफ दिस इज परफेक्ट। इतना गंदा है, मूड खराब हो गया पूरा दिन। ये भी कर सकती हो तो, लड़की रही हो लड़की। नहीं नहीं बिल्कुल वो लग रही है, छपरी बच्ची। मेरा फेस ही वो है दीप सा। अरे तो तब से मेरे बू की बेइज्जती कर जा रही है क्या? बदतमीजी है।
मेरी मतलब फेस मतलब आपका ब्रॉड है थोड़ा। हां तो सर बताओ अब किस को चुनोगे? अभी तो पीडी में आई हूं, बहुत मर्दानी हूं। मर्दानी है सर बताओ ना। अच्छा लगता है मैं क्या बताऊं? किस को उठाओगे? मतलब आई मीन किसको बनाऊं? ये सब मैं डिसाइड करूंगा क्या पहले बैठ के? नहीं यस क्रॉस टिक क्रॉस ये करूंगा पूरे पहले एक दिन बैठ के। मैं कैडेट ट्रेन हो नहीं रहे हैं मेरे से, मैं अपनी बंदियां बटाने बैठूं? अरे करो तो सही एलएसएलएस। मैम तीन चॉइसेस थे ठीक है, तीन चॉइसेस थे मैंने बता दी। अरे लेकिन तुम्हें एक तो एमिली इतनी पड़ी है। नहीं ना एमिली को कटा दिया ठीक है कि बहन होगी आपके, आपने खुद कहा ठीक है। पीछे रहेगी लीसा, लीसा की शक्ल आपको अच्छी नहीं लगती सर, आपने खुद बोला था। भाई एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, आई हैव अ क्वेश्चन। लीसा की शक्ल में बुराई क्या है? लेकिन नहीं आई हैव अ क्वेश्चन, ये इनकी लव लाइफ के चक्कर में मुझे क्यों तोड़ा जा रहा है? अरे नहीं, अरे नहीं सर ने नहीं बोला कि शक्ल अच्छी नहीं है, तो मैं सर के वर्ड कह रही हूँ ना। सर ने बोला एमिली मेरी बहन है, उसके साथ प्रमोशन तो मिलने सर। फिर बोलना कि लीसा की शक्ल अच्छी नहीं है, चलो लीसा कट गई, पीछे रही है एलिस। तो बताओ आप यार, पता नहीं यार, ये कर ले लीसा, ये कर ले। अच्छा है ना? अच्छा कलर चेंज कर ले, मतलब लाइक पर्पल और ब्लू। और क्या लीजा तुमको? अपनी ऐस हटाओ मेरे आगे से। अरे अरे खूबसूरत है। अरे इतने सारे ऑफिसर कब आ गए? हेलो, अरे गुली चली हो गया भाई, गुली चली। इन्हें ऑर्गेज्म क्यों आ रहा है? हां भाई बताओ ना सर, बचा दो ना, मार डालूंगी घर में घुस के मारूंगी। यार कोई थंबनेल। ओह माय गॉड, ये क्या बोली अभी? क्या बना के देता है? ये मैनिक्योर वाला ढूंढ रही अभी तुरंत। एक्सेल 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 क्या वो तुम्हारा कुत्ता है? नहीं दोस्त है, बहुत अच्छा एक्सेल। वो जोड़े गंदा सा क्या रेनबो के बना रही हो? अरे एलजीबीटी सपोर्ट करते हैं। व्हाट टाइम हो गया, बट ट्राई करता हूं। एलजीबीटी ठीक है लेकिन ये क्या है? क्या थोड़ा तो फॉर्मलिज्म रखो यार। क्यों रखू भाई, रंगीन मिजाज क्यों? येलो हैप्पी ऑफिसर भाई, हेलो प्रोफेशनलिज्म चाहिए आपको। ओह दिस इज सो क्यूट, मैं हार्ले क्विन बनूंगी। ये क्या है? अरे भाई हार्ले क्विन की छपरी लग रही है। पहले देखते तुम अपनी भाषा का कलर ठीक करो, एक स्टैटिक कलर रखो। सर बताओ ना। हां क्या पता यार, इसको मेरी लव लाइफ के बारे में क्यों इतना जानना है? बस चलाएगी लड़की को, एक लड़के की लव लाइफ में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों होता है? क्या लगता है उसको? खुद मेरे देखो मैं बताती हूँ, मेरी ये तो भी चोलिया बनके सोने की अंगूठी लेती है, मैं बता रही हूँ। दी देखो ना, मेरी तो होनी नहीं, तो सर की बनाते ना, सर की किसी के साथ बनाते, मेरी तो नहीं होनी कभी भी। अरे तो मैं तुम्हारी बनवा देता हूँ, क्या दिक्कत है? मैं किसके साथ ही करूँ, ये भी कोई प्रेफरेंस है? मैं भी किसके साथ करूँ? हाँ तो मैं किसके साथ ही करूँ, किसी को नहीं लगी मैं। क्या नाम था लीजा तुम्हारा? पीछे ये पीछे ये स्कूल कर लिया, ये भी ठीक है वैसे। नहीं ये बड़ा कॉमन सा है। देखो किसी को नहीं लगती मैं अच्छी, ये तो मेरा तो छोड़ दो सर, आपका करो। चलो ऐसा मत बोलो यार, अपने मां-बाप को तो पसंद आई होगी। ऐसा ही कर लो, ये तुम्हारा इसका जो स्टाइल है वही कर लो। नो मी नो कॉपी, बस तुम कलर चेंज कर लेना। अरे एक मेरे को पसंद है, एक सेकंड में वो मिल नहीं रहा, ये वाला रुको। ये मैंने किसी का तो देखा है। किसका? क्या तुम पहले दिन इसी हेयर स्टाइल में आई थी लीजा? किसी जमाने में कहीं तो। अरे हाँ वो जो वहाँ काम करती है लेक रेस्टोरेंट में लड़की, उसका हेयर स्टाइल यही है। यार ये कर लो। क्या था? पहली बात उसका ये नहीं है। नहीं उसका यही था, मुझे पता है। पहली बार देख केविन बताता है कि नहीं बताता है, बार डोलू तेरे को। उस लड़की का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, मैं अभी नाम। तो उस लड़की के साथ करोगे? नहीं लड़की, अबे जिसका हेयर स्टाइल सेम है उसका बता रहा हूँ। अच्छा
अरे बताओ ना क्या शायद वो एम्प्लॉय है या नहीं मेरे को नहीं पता वो मैंने अरे उसको खाना छोड़ो नहीं मेरे को बताओ मेरे को बताओ मेरे को बताओ मेरे को नहीं पता मेरे को तुम्हें क्यों इतनी चुल है बस चुल है अभी किसी और लड़के ऐसा करो संदीप शेयर के पीछे पड़ो हाँ इट्स गुड इट विल वर्क आगे वाला कलर बताओ दिस पिंक दिस सिल्वर या ब्लू वाइट तो मत करो आंटी लग रही हो ब्लू कर दो ये नहीं कुछ और करो नहीं 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 अरे फिर ऐस ले आई अपनी नहीं पसंद मुझे अभी इसने अपने बालों का कलर ये गंदा सा क्यों कर लिया लेकिन तो यही सही है एक सेकंड बता चलो गाइस आई तू छपरी बनने की तैयारी क्यों कर रहा है जस्ट वांट टू बी डिफरेंट अरे मेरे को बताओ गुड आई लाइक यू ऑलरेडी बी डिफरेंट हटो अलग बात में हो मुझको देखो लेकिन चलो क्या है पता है कहीं तो एक लड़की है बड़ी ही खूबसूरत सी उसके बालों का कलर मेरे जैसा है पैर को कोई उठा लो अच्छा नहीं होगा लीजा हाँ ये लड़की मेरे पीछे पड़ी है बचा लो मुझे अरे यार बताओ ना एलिस 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 ना एलिस ना ये एलिस 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 करे जा रही है अरे वो सब तो ठीक है लेकिन ये एलिस है कौन अरे एक सोलो कैडेट सर की फेवरेट सोलो कैडेट अच्छा वो पर्पल बाल वाली हाँ हाँ पर्पल है क्या उसके यस यस बाल मैं वो अभी नोटिस ही नहीं किया दो मिनट में कभी आदमी पर मुझे सब याद रहता है हाँ उसके बाल थोड़ा पर्पल और पिंक का शेड है उसके हेलो हेलो राहुल भाई हाउ यू वेलकम टू दिस हाँ पर्पल और पिंक का शेड है देखा आई नो एवरीथिंग और मैं ये कहना चाहूंगी जैसा मेरा भी हेयर कलर है इज ब्लैक एंड डार्क पिंक बोथ कहीं तो कोई एक बहुत खूबसूरत लड़की है जिसके ऐसे बाल अरे मेरे को याद आ गया शिट नहीं भाई हरामी है यार तू लीजा कितनी यार क्या बोल रहा है तू मैं तो कुछ बस इंस्टाग्राम पे स्टॉक करती हूँ अक्सर मेरे को क्यों मार रही हो बताओ ना मुझे बता दे चलो आज ही पार्लर वाली आंटी के साथ सो रही हूँ मैं सी मैम आई एम योर ऑन ड्यूटी ढूंढेंगे हम कोई लड़की तब बात करेंगे काला खट्टा फ्लेवर है ना जो ढूंढोगे ना पहले मुझे बताना ठीक है काला खट्टा है अरे जेल लगाए देखो कितनी चीज स्मेल आ रही वाले सर ढूंढोगे ना पहले मेरे को बताओगे सर ठीक है हाँ ठीक है ठीक है पक्का 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 बहन आपको पक्का बताऊंगा ओके बहना बहन नहीं बोल मौसी मौसी जैसे क्या 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 मार की रही हो मैं किसी की बहन नहीं हूं मैं किसी की बहन नहीं हूं मैं सिर्फ अच्छा बहन नहीं मैं सिर्फ किसी की भी ना किसी की भी नहीं हूं मैं लीसा की भी नहीं ठीक है ठीक है सोनिया ठीक है सोनिया बहन नहीं बोलना अंदर उसके फट रहे हैं बहन चो ओ ये चोर बोलना माइंड योर वर्ड्स गाइस मैं फिर से बोलूंगा नहीं मैं वही कह रही कि उनको बहन से प्रॉब्लम है उस वर्ड से नहीं है आई नो आई एम मच लीनिएंट विद यू गाइस बट ये बात याद रखना किसी और के सामने कुछ गलत बोल दिया तो डायरेक्टली फायर होते हो पता है हां हां वो तो खैर है ये तो हमारे अंदर की बात है बस मैं थोड़ा ज्यादा लीनिएंट हूं लोगों के साथ तो बेटर माइंड योर वर्ड्स एंड माइंड योर लैंग्वेज संजीव सोनिया तुम्हें कह रहा है पर्सनली हु आई एम एंड पर्सनली उफ उफ And what is your feel आ रही मेरे को ना बताए ना कल तक सही बोल रही हूँ नींद आके हॉन्ट करूँगी है भी नहीं कैडेट है काश मैंने पीडी ना छोड़ा होता एक डेढ़ साल पहले काश क्यों
क्या तुम भी ऐसे अर्जेंट होती? मैं क्या होती? क्या तुम भी ऐसे अर्जेंट होती मेरे साथ? मैं लूटेनेंट थी, लेकिन चलो चलो आ जाओ। मैं अगर ना छोड़ती ना तो मेरी यादाश्त अच्छी होती और मेरे को अच्छा। तुम आंटी के साथ ही सोना? अबे ये क्या हो गया? अच्छा सही। हाँ 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 मैं आंटी के साथ सोती हूँ। उसी डायरेक्टर से आता है। यो ही ये लो दूसरे कैमरे में टंग मर्स जाते हैं है औरे लग गए हैं ब्लडी फ्रॉम अ पिलेरी औरे लग गए मेंस ओए दिक्कत हो गई पार्लर वाली आंटी के साथ हम बिस्तरों पे पार्लर वाली आंटी सुपर मसी Don't you think we could be different? We could just take it slow, let it go, roll around the window. Feel the wind, rush up through, hear the music, take the groove. Don't you know all I'll ever really wanna be is a connected guy. You and I, in a cool climactic vibe. Baby, 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 गुदी गुदी अब जाएंगे अपन मेज वाले कैरेक्टर से और चीर देंगे मेज कौन है अरे मेज लेक रेस्टोरेंट की एक नंबर लौंडी लौंडी है अरे है नहीं कते बदतमीज इंसान ये लौंडी बोल दिया मेरे को टुपुक करके गिरती बट नहीं ओसी चीजें नहीं लेनी चाहिए वो देखा तूने मैंने अपने पीडी वाले कैरेक्टर का हेयर अपने आयरल वाले जैसे रखे ही हाँ आगे से देखा अरे 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 कनेक्टेड है यू एंड आई पीपी पूपू पीपी पर ये दोनों अलग जाके क्या कर रहे हैं दो लोग मिजाज पता चल रहा है कि बदतमीज इंसान है मैं तो बदतमीज हुई नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ क्या मैं बदतमीज इंसान हूँ हाँ मतलब मैंने क्या किया आपने कुछ नहीं ऊपर कर हो आवाज नहीं आ रही मुझे तो मेरे को सर्विसेज आप में दिखता होगा ना नाम ओ या 24 लोग हैं अब 24 लोग में किसको खाना चाहिए होगा आना ही खत्म होने को रहा है हुआ रहता नो आई कैन मेक स्टफ सप्लाईज आ गई हैं क्या बनाया जाए क्या चीज कम है इससे बैठे हेलो जो बना लिया हाँ जी अभी लेक रेस्टोरेंट पे 50% वाला ऑफर चल रहा है क्या नहीं ऐसा तो कोई ऑफर नहीं चल रहा नहीं चल रहा नहीं अच्छा अच्छा भाई हमारे एक फ्रेंड लेके गए थे वो जो मतलब क्या होता है जो खाना मतलब पुराना जैसा होता है ना हाँ उस पे कुछ 50% ऑफ होता है ऐसा कुछ होता है
होगा तो आप आ जाओ, मैं दे दूंगा. ठीक है ठीक है. ओके मैं पुराना खाना 50% ऑफ पे. पहले हम बनाते हैं चिली चिकन. चिली चिकन कितना है अपने पास? है ही नहीं. मैम ये कूपन है अभी? हाँ जी हाँ जी. एक सेकंड में मेन्यू देख के बताता हूँ. ओके वैसे कुछ चीजें भी बनी नहीं है तो आप जो बनी हुई है मैं वो ले आऊं या आपको चाहिए प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग? आप दे दीजिए जो है अभी तो. ठीक है कितना कितना? 5-5. ओके सबसे ज्यादा ये दे देते. ड्रिंक्स तो है ही नहीं यार, फिर मैं बोर नहीं होते रहते इधर. एक सेकेंड. 100 का ये और क्या? सॉरी 500. सॉरी मैं सॉरी. मैं सॉरी. हाँ ठीक है. वेरी लाइट. 110. मेरे पेपाल 97 है. आ गई है. आ गई है. 500. 1050. आरडीएम करवाई. मेरा मतलब आरडीएम करने. हार्ड कार्ड. यार थकान लग रही है यार बहुत. Your food is in the tray. Thank you for visiting. आज सो जाऊंगा भाई. दो दिन से रात भर नहीं सोया था. बल्कि आज मैं लैब्स गया बहुत बार. मरा बहुत बार. स्लैशी फ्रूट्स और शुगर कर दिया. बोला सर्वर मैप. अरे गेम वो हो रहा है, अपडेट हो रहा है, बाद में आएगा. ठीक है. उन्होंने कहा निकल पकोड़े. नहीं तो तल देंगे. एप्पल स्ट्रॉबेरी लेमन वाटरमेलन. नहीं वो नहीं चाहिए. शुगर और क्या? मिंट. मिंट ज्यादा है नहीं. और लेडिस नहीं चाहिए. व्हाट एल्स? दैट इज इट. मोम्ज़रेला चीज. मोम्ज़रेला. मैं फंकी साला म्यूट हो गया. ऐसी आवाज निकाल रहा हूं. नहीं है म्यूट. अच्छा म्यूट होने के काम करता है क्या ये? जबरदस्ती मत बता रहा भाई. ठीक है अबे लौड़े अपना काम कर. हां बे म्यूट हो गया काम करता है. करते करते आइसक्रीम है. हेलो बारे में बहुत होगा. वाओ क्या लड़का है. वेरी हैंडसम बॉय. क्या बात है भैया. मैं तो टूट गया. ये तो वेट हो गया. सही बात है. ये क्या? अच्छा अमेरिका का दलाल बहनचोद. भोसड़ी के मोदकचोद बहन के लोड़े. बासी खाना खिला रहे लोगों को. उनको फूड लाइसेंस किसने दिया? उनसे भाई इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है. कट रहा हुआ है बस.
लेमन आइसक्रीम लेकिन है कॉकिंग ऑयल ये क्या ये कौन सी सप्लाई अरे सही में thank you so much. पड़ेंगा जाना पड़ेंगा गाइस Him there. Cooking oil, meat, salt, spices. Cooking नहीं लिखा भाई ऐसे ही झूठ बोल रहे हो. सुनने कुछ बंदा बंदा फील हो रहा है. अभी भी आरबी में मजे कर रहा फुल. Spices, meat. क्या चाहिए था और salt and cooking oil. 10-12 क्या होता है बस. वाह भाई वाह. इसको देखो मेरे को मर रहा है. हेलो सर क्या ऑर्डर करना आपको. मेरे को 10 वो दे दो. मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ. चिल्ला मत चिल्ला मत. अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया. आपको बस खाना चाहिए ना. अरे हाँ मेरे को बकेट वैलेंटाइन दे दो. देखो देखो सर अभी ना थोड़ी लिमिटेड लिमिटेड सप्लाई है तो आपको जितना चाहिए आप मेरे को बताओ. आई विल गिव यू. ठीक है मेरे को 10-10 करके खाना दे दो. हां मेरे को भी मेरे को भी. ड्रिंक्स तो है ही नहीं. तेरा काम ज्यादा हुआ है. अरे हां वही है वही है. तेरा काम ज्यादा. नहीं नहीं इसने काम ज्यादा साफ कर लिया. बधाई हो भाई बधाई. एक सेकंड इससे होता क्या है ना. गाड़ी से खेलूंगा रुक जा. मैं भी वही देख क्या है. मेरे को लगा मोमो भी खेल रहे है. मैं अनइंस्टॉल कर चुका भाई. ठीक है दो दिन बाद खिंचाऊंगा मैं. इलेक्ट्रो का ये ड्रिंक्स तो भी नहीं. आप फूड ले लो बस. इससे नहीं चल रहा क्या. ड्रिंक्स एक भी नहीं है. नहीं दो होंगे. एक सेकंड आई थिंक ओनली टू आर रिमेनिंग. इलेक्ट्रो इसलिए तो गया नहीं चल रहा था उसका. रुको मैं आपको 5 दे देती हूं. आप लोग शेयर कर देना मेरे पास है. हां अच्छा ठीक है. मैं डर गया भाई. मैं एक साथ बंद कर दूंगा. नहीं खुद के क्या है. खुद के लिए भी रख लो. नहीं नहीं खुद के लिए है मेरे पास एक दो फॉर नाउ. मेरी लाइट आ गई. ठीक है ठीक. वेरी वेरी फिश फिंगर्स इंस्टॉल और 90 उन्होंने अनइंस्टॉल किया ब्लरी. खाने का स्टॉक क्यों खत्म हो गया इतनी जल्दी. स्पेस नहीं था एसएसडी. पता नहीं दिन भर में बिक गया होगा. ठीक है ब्लरी मेरे को बताइए वो टोटल कितना स्पेस ले रही है. वो 35 बोलता है लेकिन उससे ज्यादा लेता है इंस्टॉल करते समय. हां बोलो बोलो तो कितना ले रहा है टोटल वो बता. कॉपी बनाता है उसके बाद पता नहीं. मैं हार्ड डिस्क भी इंस्टॉल करता हूं. हां 16 90 1800 कितना हुआ. आई एम सो फक्ड एट मैथ. हां किसको बिल करना है. मेरे पे कर दो. आपका नाम. ईशान कपूर. हाँ कैश या कार्ड. कार्ड कार्ड
देखो ये ट्रेस उठा लो. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. ओके थैंक यू. इनका नहीं चीता पूरे दिन ग्रैंड. अरे भाई आज लास्ट में बोला ना. अरे ईशान हां बोल क्या ले. अरे तुम इतना देर से क्यों आ गए? अरे तुम उठाया क्यों नहीं खाना खाने के लिए? अरे 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 अभी काम था यार थोड़ा. और क्या हाल, भूखा मर रहा था मैं, भूखा मर रहा. अरे तू मेरे को बता तूने खाना लिया? हाँ आजा आजा इधर आजा. क्या क्या हुआ? होता है होता है. फ्रिज में भी खाना खराब होता है. बिल्कुल होता है. अरे मेरा भी कर लो. ठीक है प्रसाद बट रहा है, मेरा भी कर लो. क्या कर लो? पता नहीं भाई कुछ करवाने को बोल रहा है. पता नहीं किसको बोल रहा है. हेल्पर यार नेक्स्ट वाइब ना, मैं वो गेम खेलना सिखा दूंगा. तू बस स्कैव रन करा करना मेरी आईडी. हेलो वॉरियर को आना है यहां. अरे ये दोस्त मोस्ट लाइकली वाइब नहीं आए. नहीं जब भी आएगा लाइफ में. हां इस साल नहीं आने वाला. करवाओगे क्या इस साल? नहीं आने वाला मैंने. अरे वहां पे वो इतना बड़ा बढ़िया सा लोगो है पीछे. इस वाले बोर्ड पे आ जाओ. इस वाले बोर्ड पे कौन से? ये वाले बोर्ड. हां यहां पे खाने का स्टॉक खत्म हो गया ना ऑलमोस्ट. हां ड्रिंक्स तो बिल्कुल नहीं है. हां वही वो तो कल से ही नहीं था. कल पूरा भेज दिया मैंने. कुछ था ही नहीं अभी बचा. ये हम में से किसी को देना चाहिए काम. हां मैं वही बात करने का सोच रहा हूं एटलीस्ट. हां ये तू ले ले, दिन भर रहता है ना. एक बार कहां रहता हूं भाई, शाम को आता हूं. तो किसी भी टाइम मतलब एक बार दिन में खड़े रहने बोला तेरे को, नाचने नहीं बोला है. ओ सनलाइट नहीं है. भारो भारो. ओके सोनू भाई. हां कहां से फोटो लूं बताओ? लेक भी आना चाहिए ना. मारो पर भाई तुम फोटोग्राफर हो. अरे तो देखो यहां से आ रही है. देखता मैं. ओके यहां लो बे, यहां पर लो. जा तुम खड़े वहां पर खड़े रहके ले सकते हो. सनलाइट यहां से आ रहा है. अरे यार थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा सा एकदम बस. आ गया वो. ठीक है अब और आ गया वो थोड़ा सा. मैम चश्मा उतारो प्लीज, रिक्वेस्ट. ठीक है भाई बदतमीजियां. अरे यार मैं खड़ी रही एक जगह पे. खड़ी तो
मैडम इतना हिलते हो फोकस हिल जाता इसकी बड़ा ये हट्टी हो रहा है क्या नाम है क्या नाम है स्पेलिंग वाला नाम की मेज MAZD अच्छा वो वाला मेज बट कस्टमर आए मेज जाओ हैंडल करो जाते हो जाते हो अच्छा इसको जानता हूँ मेरे को जल्दी दो जल्दी दो $500 97 सड़ा हुआ खाना दे दूँ जबरदस्ती फोटो खींच के भी पैसे ले रहे हैं नहीं तेरी पैसा हेलो मैम आप एम्प्लॉय हो क्या हाँ जी हाँ जी ओके सर खाना ले लो ड्रिंक्स तो नहीं है ठीक है खाना ड्रिंक्स पी रहा मैं यहाँ की दो गार्लिक टोस्ट दे दीजिए बस ओके नहीं मैंने पिछले दिन ही कराई थी बहुत अच्छी अब और बाद में कराऊंगा कभी ये देखो सर किससे करवाए थे कौन फोटोग्राफर वेट क्रिस 120 यही तो है नहीं 240 क्या नाम है सर आपका तुमसे ही तो कराई थी मेरा नाम माइकल सिंह धोनी कैश और कार्ड कार्ड फोटो पे मेरा लोगो भी था ओए लगाता नहीं बट कैमरा में भाई क्रिस भाई पिछले दिन ही तो कराई थी आपसे फोटो अरे मेज हेलो ये आपका खाना ट्रे में है थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग हैव अ नाइस डे अरे मैं जो खाना लिया था ना अभी वो गायब हो गया है गायब हो गया अरे हां हां थोड़ा हो रहा है अरे भाई मेरा पैसा का तो पूरा सीन हो गया कितना लिया था आपने मैं दे देती हूं कितना लिया था 20 खाना लिया था एक बात बोलो दे दो बोलो पर मैं बात करना पड़ेगा हट बे क्या बोला हट बे बाद में बोलता क्या भाई मेरे साथ ये सब स्कैम हो जाता है उठा लो ट्रेसर थैंक यू यार क्या क्या खत्म उसकी लिस्ट बना लो ना भाई मेरे को तू लैब्स के लिए रेडी पे क्लिक कर दम लैब्स के लिए क्लिक में मना करता है तो Bro, at least, I mean, it's good, dude, it's good. If it's not boring, then it's good, right? Yeah. What you mean? Sab cheez mein mint lag raha hai. Bhai, mint nahi hai. Mint or salt main hai, wo nahi hai. Us wajah se na food ban pa raha hai. ना ड्रिंक्स कल पूरा का पूरा खत्म हो गया पता है कल पूरा बहुत लग गई थी आरपी हेटर से बस चखी नहीं बिहेवियर से मेंट भी नहीं है शुगर भी नॉर्मली आरपी हेटर्स वही हैं जिन्होंने एक लिस्ट बना लेना बेसिकली सब कुछ चाहिए सब रिफिल करना है हां ये तो है रिफिल करना मैं कहां किया हूं भाई जो जो अपने पास डिशेस अवेलेबल है वो सब खाने के लिए खाने का जो जो सामान है ना वो सब कुछ इसी टाइम से मुझे आरपी से नफरत था शुरू करने से पहले ही नफरत करता हूं मैं इसके आरपी स्ट्रीम में बता रहा हूं आपके से पहले लरी अरे ये सबका मैंने ये सबका सीन देखा है सैम भी यही करता है जो गेम खेल रहे हो जिस टाइम पे वो गेम उस टाइम पे बेस्ट जैसे वो छोड़ दो तो वो गंदा ईएफटीएस 30 हां जिस दिन नहीं खेल रहे होगे उस दिन से कहने लगेंगे यार ये फालतू अभी अभी हैकर से मरता देखो यो व्हाट्स इन दैट सेफ इट्स लाइक अ पर्सनल स्टैश ओह कूल Yeah, but everyone it's. वैसे कुछ सामान मैंने उठाया भी था मैंने सारा उठा लिया था
चिली चिकन वाला सॉल्ट के डब्बे वही तो जा रहा हूँ एक्साइटेड है भाई बंदे मैं नहीं खेल सकता गेम मैं नहीं खेल ही नहीं सकता चुप रह लड़े अरे अबे यार चलो सीएमएस की जगह कितने का है हाँ महंगा है महंगा 50,000 का 50,000 का बस हो गया अब कैट लूट ले अगर सामने कोई स्काई ब्रिज पे नहीं लेता पागल है कितने जल्दी का ये तो चुप रह मैंने एक बचा चुप रह तू अलवरे मैं बोल रहा हूँ सुबह जल्दी आऊंगा उस टाइम खेलेंगे हम लोग उस टाइम बंदे भी अच्छे लेजेंड आते हैं उस टाइम मैं भी नहीं मिलूंगा है ना उस टाइम हैकर भी नहीं आते वे हाँ मैं भी नहीं मिलूंगा तू भी तो हैकर बैट बैट बैकसीटिंग नहीं करता हूँ यार ब्लरी इंस्टॉल क्यों किया अनइंस्टॉल ही रहने देना था ना फिर तुझे गाली कौन देगा मतलब मैं दूंगा ऐसा नहीं है बाय करो भाई कुछ रखा इस गेम में मैं नहीं खेल रहा जब सोलो खेला था ना तो हर जगह का बटन दबा दिया था और भाग जाया था हां तो वही तो कह रहा हूं मैं नहीं खेल रहा ये क्या है यार मतलब सोबा भाई इलेक्ट्रो किससे बात कर रहा पता नहीं सोबा से बट व्हाट वाज आई गोना से इज योर ईएफटी वर्किंग नाउ इलेक्ट्रो ओह हीज डेफिनेट मारो अभी तक मर चुका होता भाई तू ऐसे गेम करेगा तू डार्क में है क्या नहीं अरे भाई शीशा ही नहीं दिख रहा शीशा हो या दिल हो इलेक्ट्रो आई सेड इज योर ईएफटी वर्किंग नाउ आई डोंट नो आखिर टूट जाता है टूट जाता है टूट जाता है बजने लगते हैं सीता ही पे आई एम वरीड अबाउट दिस काउंसलिंग थिंग नाउ ड्यूड ओके मामो लीव इट लीविंग लेट्स गो आउट मैंने तो रेना को किया है सैम मेरा नहीं था देख ले एलाइस ब्लाइंडेड मेरे में तेरी नीचे तो आवाज नहीं एक्साइटेड है मेरे में नाइस पता है उसका उसका था पैरानोया You're coming to Delhi, right, Funky? Okay, that means no. Gotcha. We'll talk about it tomorrow, maybe. Yeah. Dude, it's a fucking train ride for you. Yeah, I know. एक थे या दो थे सर? दो का sound आया था. एक तरफ है, एक तरफ है हम. I was excited before, but now I think I'm gonna be disappointed. He probably will be. Yeah, so I think it's yeah that's why. नहीं चल रहा है अभी. नहीं यार आज कोई आया है नहीं यार. तू है तो अभी. सामान देता आज. Why do you think so? पांचवा दे दो. पांचवा जी. Why? कैसे प्रश्न करना चाहिए ब्लरी हमारी है. भाई साहब 10 सेकंड है गाड़ी पार्किंग लगा दी है सीधे किचन जाते किचन से. ठीक है. 10 सेकंड है 10. आई थिंक वो ऊपर है अभी भी ये रेड के अच्छा येलो के पास वाला है हां ग्रीन से अप्रोच करना है तो ग्रीन से अप्रोच पर गाड़ी ले एग्जैक्ट सोच रहा हूं गो डाउन गो राइट यस कनेक्टर से तो मेरा कुछ भी नहीं पता है ऊपर ही तो बंदा है जस्ट क्या क्या मतलब पीने का कुछ भी नहीं पता है नप नप इंटेल में कहां है कहां से कूदा था भैया इंटेल से तो यहां बना भी तो आइसक्रीम वो भी खाने का सीक्रेट ऑफिस ब्रो सीक्रेट ऑफिस डार्क से कूदा था वो यस और क्या था वेजीज थी हाँ 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 मेरे को भी करानी है अरे मैं चार दिन के लिए जा रहा ना किधर जा रहा है जयपुर
हाउ जयपुर क्यों ये लोअर कैलास्टर कितना टाइट है मैंने 3 साल पहले कोई कोर्स किया था डिग्री ली थी टीआरएक्स नौकरी सार बस उस डिग्री का कन्वोकेशन है कन्वोकेशन फिर तुम भी टोपी उड़ाओगे क्या ऊपर हवा में हां समझ लो क्या बात है ड्रग्स एक्स ओह माय गॉड कौन से ड्रग्स पता है तुम्हें वैसे बताओ जरा कौन सी कंपनी मेरे लिए एक ड्रग्स बनाओगे मेरे लिए हाँ वही दवाई वही कुछ अच्छी ऐसी एकदम बढ़िया वाली टाइसन भाई अभी जो बचा है वो तुम्हारे नाम है लास्ट इसके बाद कुछ ही स्टॉक बस वही उत्तर देखो रकम कुछ सब खत्म सब कुछ बराबर पीडी वाले को क्या बोला पता है क्रिस भाई क्या ये जो आपने पार्क की है वो भी पार्किंग नहीं है सर कृपया करके आप भी हटा ले वरना हमारे पास भी अथॉरिटी है टो करने की बिकॉज आई एम मैकेनिक अरे और सिचुएशन तुम नहीं कर सकते ना कर सकते हैं सर हम आई हैव अथॉरिटी टू डू इट एक बात बोलो हाँ बोलो मैकेनिक के पास इंबाउंड की नहीं होती क्या क्या मैकेनिक इंबाउंड नहीं कर सकते किसने बोला चलो आज तो बहस हो ही जाए बैठो हाँ आओ हम भी चले मैं भी जा ही रही कुछ है ही नहीं तो वही सब खाना भी खत्म हो गया गाड़ी है तुम्हारे पास गाड़ी तुम्हें चाहिए कहाँ जाना बताओ हाँ मैं जाऊंगी कुछ काम है थोड़ा आओ यहाँ से गाड़ी ले लो आप कॉल अच्छा जी आप रेस्टोरेंट पे सर जी है खाने के लिए है पर पीने के लिए कुछ नहीं बचा ये डिलीवरी वाले ले लो ये ले जा सकते हम हाँ हाँ ले लो कुछ भी नहीं है बस खाने के लिए बस पीने का कुछ सामान हेलो गाइस हेलो मिस कैसे हो हेलो हेलो टैटू शॉप कहाँ है ये लिबर्टी नहीं नीचे मैप के भाई मैप के मैडम नया स्कूटर कहाँ कितने का लिया ये तो काम वाला है अच्छा फ्री में मिलता है ये टैटू शॉप क्यों नहीं दिख रही जीपीएस में टैटू शॉप वो है ना हॉली यहाँ पे सामने बट जहाँ पे होती है वहाँ पे चले जाओ मिल जाएगा मुझे याद नहीं आ रहा मार्क करना वाले के पास ले लो चलो थैंक यू
चलते हैं बाइन बाइन बुट के पास भी उस तरफ का देख के भी आ जाएंगे आज कैसा दिख रहा कहाँ वाला मार्क किया है उससे उधर भी है हाँ ये जो सबसे पास में वो ये सब एंड में दोता करें स्टार्ट में चीज बे ये घर तो भाई हॉले हॉले से अप्रोच करेंगे ना सही करें हाँ ना और डबल दबाते रहते इससे अच्छा मैं मेरा स्कूटर ले लेता बाद में मेरे पास भी स्कूटर है किसी ने कुछ भी एक्शन नहीं किया ना बोल रहे अविंदा मैं और मैम क्या करते हो आप रास्ते बिना बैकपैक वाला किया होगा तो वो तो नहीं देखा तो आपने यही पूरे दिन वो चिलिंग ना आती गाऊं मैं इतना बस सही है अभी से टाइम आता तो आप क्या करते हो फोटोग्राफी हाँ आप तो फोटोग्राफर हो फोटो खींचता लोग अभी फोटो हाँ कितना छाप लेते हो इससे कुछ नहीं कई बार तो माइनस में रहता है फ्री में खाना देते हैं ईशा मैम हाँ अरे तो खींच क्या चाहिए होता है ना रुको 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 देख टड़ा टड़ा है क्या या दे दूँ 150 है मेरे पास ठीक है भाई हो जाएगा नहीं होगा काफी सारे बनवाने हैं यहाँ पे एटीएम भी नहीं है ना सामने है ना कहाँ बोलो अच्छा हो रहा मेडूसा नहीं है क्या इसमें ऊपर से देखती हूँ लेफ्ट टू राइट नहीं स्पार्टन कॉम्बैट और मेडूसा ये रही
क्या हो गया? देख रहा हूँ बस. तुम्हारे यहाँ पे फोटो क्लिक करूँगा. इधर आओ ना एक बार. कहाँ पे? इधर खड़े हो सामने, थोड़ा सा दूर जाके खड़े हो ना. कोई ढंग का सा पोज करो प्लीज. ओके okay. कौन सी पूरी आएंगी? तभी तो बोला ढक्का साहब. वैसे पूरी भी आती है, तो मैं क्लिक नहीं करता हूँ. एक सेकंड. ब्रो शक्कर तो दिखनी चाहिए ना. ये अच्छा है. हो गया. हो गया. मैं रख रहा ये फोटो. थैंक यू. ठीक है, दिखा दो कैसी है. अच्छी नहीं है जब तो मैं रख रहा लाइट. जब तक स्ट्रीट लाइट नहीं ऑन होगी तब तक ये आएगी. सयान कलर का कर दिया ना. अच्छा मेरी गलती है, मैंने ही बंद करती थी. अरे 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 क्या बचे हैं? क्या जल्दी थी उसको? सबको जल्दी है यार. मेरे को ना गाड़ी देखनी थी. कहाँ पे बेनिस? ये लम बहुत दूर है. इसको रख दो अपने, मैं मेरे वाले स्कूटर पे चलते. यहाँ पे भी लम बैठा सर्विस वाले. अरे कुछ दूर नहीं है. अरे इसको रख दो मेरे वाले पे चलते. ये बोल रहा ये तो मुझे वहाँ रिटर्न करना पड़ेगा ना लेक पे. हाँ रिटर्न कर दो इसको. तो तुम क्या लेके आओगे स्कूटर? वहीं पे ही है, लेक पे ही है मेरा स्कूटर. अच्छा. अरे इसको मैं क्या लेक के वो ना ऑफिशियल फोटोग्राफर. तो मेरा वहाँ पे पार्किंग से. तेरी ब्लू साम
कितने का है तुम्हारा स्कूटर? 20,000 का, पर मेरे को फ्री पड़ा। मैं भी सोच रही हूँ कोई छोटी मोटी गाड़ी ले लूँ। गाड़ी का वही स्कूटी गाड़ी जो भी है कुछ तो होना चाहिए। बहुत ज्यादा महंगा है, 20,000 का स्कूटर है मतलब बहुत महंगा है। देखते हैं, इस शहर में वैसे भी पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। हाँ ना, अगर आप मेरी तरह या वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम्हारी तरह हूँ मतलब? एक ही प्रोफेशन रखते, ग्राइंड नहीं करते, समझ जाओ। सेम। कोई बढ़िया सा गाना बताओ भाई। किस चीज के लिए? ऐसे ही चलाओगी? हाँ चला लूंगा। बड़े बड़े भाई मेरे को भी बिठा ले। हाय, यही है ना बनीस? हाँ हाँ, मैंने माफ किया जो भी। आठ के लगभग ज्यादा बिना अपग्रेड के, मैंने सिर्फ ये पीछे स्टेपने वाला ट्रायर लगवाया है। ओके हाँ अच्छा, ये स्कूटर लाल रंग का होता एकदम 3D वाला माहौल बन जाता। जो बस बीच में मरता हुआ बंदा चाहिए। ऐसे वो भी हाथ से। ऐसे 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 ग्राइंडर कचरा उठा रहे हैं भाई, बहुत पैसा है कचरे पे। मैंने भी किया स्टार्टिंग में बहुत। वो ये तुम्हारे अच्छा शोल्डर पकड़ता है, मैं देख रहा क्या ही कर रहा है ये। सॉरी भाई, बहुत सही है भाई। ये देखो, हट जा जाले। गलत तो नहीं जा रहे हम? सही जा रहे, सही। मेरे पास राइफल होती ना मस्त दिखता है। हैंड इज अप मैम। ये तो टैक्सी वाली जगह नहीं है इधर? नहीं नहीं नहीं, यही है अंदर, वो देखो BLM।
एक तो ऐसा नाम रखा है, मेरे को ब्लैक लाइव्स मैटर याद आता है। वो भी सही है वैसे। By the way, मैं इनके साथ भी पार्टनर्ड हूँ। अरे वो रहा उधर किधर है? Yet. Binaries. Vehicle catalog. इतना बड़ा बड़ा। काफी महंगी है, बहुत ज्यादा महंगी है काफी। बट एक बाइक ले सकती हूँ 45 की है, जल्दी थोड़ा। ओह कितने के? 45 45 के। तो वैन लेऊंगा, मेरे इक्विपमेंट भी रख सकता हूँ ना उसमें। एसयूवी या वैन? एरिया तो मस्त है ये, इधर जाता मैंने स्कूटर। स्कूटर तो मैं भी अभी ले सकती हूँ। अच्छा, अगर फन के लिए चाहिए तो ले सकते। 38,000 तक है अभी। इसके कलर वगैरह पे मैंने सिर्फ 4,000 खर्चे हैं। पीछे का टायर मेरे को 3,000 का पड़ा। इसमें बहुत वो कस्टमाइजेशन है। ये जीपीएस पे क्लोथिंग स्टोर्स वगैरह दिखने क्यों बंद हो गए हैं? क्या एकदम बंद हो गए clothing stores and all? है ना, मुझे नहीं दिख रहा जीपीएस पे। थोड़ा सा पास करके देखो तो भी नहीं दिख रहा है। तो किसी भी क्लोथिंग स्टोर पे देख लो, वैसे मार्क करूं क्या ये रहा? मुझे अभी ऐसे रैंडम पता है, बस एक मार्क दिख रहा है ये, वो अभी भी नहीं दिख रहा है क्लोथिंग का। कोई ना कोई, पर ऐसा क्यों हो रहा है? अरे वो थोड़ा सा हो जाता कभी कभी सब। हाँ था मैं हाउडी ये होल्डिंग, ये भी अच्छा है। ओ मर जाओगे चंट, तुम भी करो। मैं ऐसे सामने से कोई गोली मारे मैं क्यों जाऊं, बच गया मैं तो। हाँ ना, वैसे एनीवे वो पहले मुझे ही लगेगी। अच्छा हाँ, अगर मैं चलाता हूँ अकेला वैसे पर बैलेंस पे गिर जाऊंगा। इधर चलो, यहाँ भी तो है, यहाँ भी है। ये मेरे को भी नहीं दिखाया भाई, तो नहीं दिख रहे हैं। चलो मैं भी कुछ पहन, इसमें एक शीश जींस है, तुमको पता है शीश?
सॉरी अरे वो जंप शूट बताने मेरे को बहुत सही लगता पता है क्यों पहनता है हाँ ये वाला हाँ तो ये इसमें कलर्स भी अच्छे हैं ये क्या है ये तुम्हारा इतना मैच नहीं करता तुम्हारा ड्रेस तुमको पता है तुम्हारे इस इंटीरियर से हाँ तो वो वैसे भी वो तो काम वाले कपड़े का हैं ये तो लेक रेस्टोरेंट वाली टी शर्ट थी ना हाँ वही तो कह रहा हूँ लेक रेस्टोरेंट की तो बात कर रहा हूँ मैं ये टी शर्ट है ना मैच नहीं करती तुम्हारे उसके इंटीरियर से गोरिल्ला वो अरे ये सही है याद रखूंगा ये वाला भी सही है वो टाइम हो गया नीचे बहुत सारे बोर्ड गिरा दिए अब देखा मैं क्या गिरा दिए बोर्ड क्लिप बोर्ड गिरा दिए नीचे ना अरे बहुत अच्छे अच्छे आ गए मैंने पूरी क्लोज़ेट देखी है लड़कियों वाली ये कर लो
तेरी खजन निशा ऐसे ब्लैक कपड़े से पूरे आगे 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 इससे भी आगे अच्छे हैं। अरे तुमको ये अच्छा लग रहा है तो आगे भी है, बाद में तो बहुत है। चलो शूज सही तो है, नहीं मैच हो रहे हैं टॉप से। अरे यार ये वो भी तुम्हारी मर्जी भाई, सोने जाओ अब। तुम्हें तुम्हारे कुछ प्लान्स हैं? मेरा कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही आ रहा हूं। तुमको फोटो क्लिक करो, फीलिंग्स करो, बकचोदी करो, सो जाओ, यही है प्लान्स। तो ये कहीं खड़े करना है स्कूटर लेक पे, चार दिन बाद में वहीं पे आऊंगा वापस। नाइस। मेरे को भी कल जल्दी उठना पड़ेगा भाई फ्लाइट के लिए। ओरे हे भगवान, कहाँ की फ्लाइट? जयपुर। क्या आवाज कट रही है? पानी पियो थोड़ा। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, एक कब फटा? अरे मैं पीछे कैसे आ गया भाई? वही तो मुझे भी नहीं समझ आया, एकदम पीछे ऐसे तो स्कूटर भी पीछे आया, तुम भी आई। अच्छा तुम भी गए होगी, वो तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि आवाज भी नहीं आ रही। जादूगर हो क्या तुम? और क्या, कैसे जादूगर हो भाई? यार मेरी बहन नहीं आई यार, चिलिंग नहीं हो रही। कौन है तुम्हारी बहन? सुरूपनखा, उसका नाम है ऑफिसर है या कभी क्या है, कुछ तो है, ऑफिसर ही है वो, एमिली रोज। अच्छा उसको बोलो ना तो ऐसे बोला करो, हाँ भाई सुर्फ ने कहा, सुर्फ ने कहा। तो भाई वो तुम बोल सकते हो, हमें तो गाली दे देगी। नहीं देगी, नहीं देगी, उसको पता चल जाएगा तुम हमारे दूत हो, कुछ नहीं बोलेगी वो। दूध ए बगो, दूध दूध, यस दूध, समझते हो ना दूध? यस यस। हाँ तब ठीक है, लो कर लो पाक।
चलो मैं सोने जा रही हूँ, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट. यस दूध. ओए रुको रुको. ये लो मेरा नंबर. फोटो क्लिक करवानी तो क्रिस्टार बस भाई. कितने दिनों बाद मैंने प्रमोशन किया भाई. ठीक है मिलते, गुड नाइट, गुड नाइट. तेरी अखा चे नशा है साडे कप्पा चे कड़े. मैं भी थंबनेल के लिए फोटो खींच लो ना. चलो पहाड़ों पे चलते हैं गाइस, फोटो क्लिक करते हैं. यहाँ तो कचरा कचरा है, टीन शेड लग रखे हैं. हेलो यो, सब कहाँ है? ऊपर बैठे हैं, ऐसे हम वही चले गए. क्यों चला गया? बंद हो गई. अच्छा लाइट गई. चलो चले. ओह टॉक, नो स्टॉप टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, स्टॉप टॉकिंग अबाउट गर्ल्स. बट व्हाई? You said she hopped in your car and then you told her, hey, let's do it. Yeah, but that was like an isolated event, bro. Like, that doesn't happen every day. Yeah, I'm hearing this for the first time, Momo. And then she denied, and you took the opportunity. And it's borderline rape if you really look at it from that angle. I should be in jail. Momo, mom, but the thing is, nah, that you drugged her. I'm definitely going to go. तेरी अखा च नशा है साडे कप्पा च कुड़े. अरे यार एंड की जा स्ट्रीम.
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਠਾਵਲੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ Chalo, good night, guys. Sweet dreams. Take care of you. Bye-bye. See you all tomorrow. Bye. Love y'all. Peace out. Yo, Florida Punjabi boys. It's your boy, Thick with 2 C's. Y'all already know I got my part of Patient Metals, and I'm about to spit it out right quick. Sasi call. Jagam mein kisi nu dekhta, mein kehna sasi call.